विनेदुं स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद एक बार सब हाथ उठाकर बोले बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोजन श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे कृष्ण उन्होंने गिरिराज गोवर्धन की पूजा को प्रारंभ कराए और इंद्र पूजा को उन्होंने बंद करा दिया। तब हमारे टीकाकार लोग कहते हैं भगवान जो गिरिराज गोवर्धन की पूजा प्रारंभ कराई और जो गिरिराज की धारणा किया इसकी रहस्य किया है तो उसको चार ही रहस्य बताते हैं। कितना रहस्य बताते हैं जोर से बोलो क्या क्या है। आज मैं बोलूंगा कल आपसे सुनूंगा इसलिए एक मन से ध्यान श्रवण कर। कहते भैया अगर झोली पसार ना तो कहते श्री वांके बिहारी के पास में झोली पसार भगवान कृष्ण के चरण में झोली पसार। गिरिराज कौन है? गिरिराज और कोई नहीं यही कृष्ण ही स्वयं श्री गिरिराज गोवर्धन रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करवा दिया। इंद्र कौन है? बोले स्वर्ग का राजा, समस्त देवताओं का राजा इंद्र है। इसका तात्पर्य क्या है? बोले भैया जगत में तो 33 करोड़ देवता है, एक को पूजा करो दूसरे मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे, दूसरों को पूजा करो तीसरे मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे। वैसे ही 33 करोड़ देवा देवी है, अभी कितने को खुश करोगे? लेकिन ये बांके बिहारी कृष्ण ऐसे के ठाकुर है जिसको ऊपर में ठाकुर जी की बांके बिहारी की कृपा हो जाए। कहते ना जा पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए एक गिरिराज गोवर्धन अगर झोली पसार ना तो किसको पास में झोली पसारो? बोले श्री गिरिराज को पास में झोली पसारो, तुम्हारी झोली को भर देंगे गिरिराज जी, क्योंकि उनका नाम है सर्व अभीष्ट व्रतता। कुछ भी गिरिराज से प्रार्थना करो सब कुछ श्री गिरिराज तुम्हारे देने वाले। इसलिए उन्होंने पहला से किया दिया है। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। दूसरा कारण बताए, इंद्र का बड़ा अभिमान हो गया था, मैं स्वर्ग का राजा हूं, अगर मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा ना ये सबके सब ब्रजवासी मर जाएंगी। कृष्ण बोले भैया जिस नंद बाबा अगर कन्हैया को बोले लाला मेरे खड़ाव ले आ, कृष्ण ठुमुक ठुमुक करके नाचते नाचते जाते हैं, खड़ाव का हाथ में नहीं खड़ाव का सर पर लेकर के आते हैं। नंद बाबा सोचते हैं लाला मेरे कितने अच्छे हैं, बोले खड़ाव ले आओ और उन्हें गोद में नहीं सर पर लेकर के आए, मतलब बेटा जब बड़ा होगा ना बड़ा पिता माता की सेवा करेगा, यही तो बच्चे पिता माता चाहते हैं ना, जब हम बड़े बूढ़े हो जाए बच्चे हमारी सेवा करे। अरे लाला बड़े अच्छे हैं लाला हैं, इसलिए ये ब्रजभूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। इसलिए कहते किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहां केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है। बोले गोपिन की द्वार पे बसत है हरिद्वार,
बद्री केदार नाथ बसत दास दासी है। इसलिए पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले चिंता मणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लख्यावृत सुरभि रभि पालयंतम लक्ष्मी सहस्र शतसम ब्रह्म सेव्यमानम गोविंदं मादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं ये जो ब्रज भूमि है वो भूमि नहीं वो चिंता मणि है, जो चिंता करो वही मिलेगा। जितने वृक्ष सबके सब कल्प वृक्ष है, वृंदावन का जो पानी नहीं वो अमृत है। अगर वहां कोई कथा बोलते हैं लगता है बड़े सुंदर कोई कीर्तन कर रहे हैं, अगर कोई चलता तो लगता है जैसे नृत्य कर रहे हैं। वो गया नहीं एक एक सुरभि का भी ये वृंदावन धाम है। इसलिए कृष्ण ने सोचा, बोले इंद्र क्या सोच रहे हैं, ये राजा स्वर्ग का अगर मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा तो मर जाएंगे। कहते 100 अश्वमेध यज्ञ जो करता है वही इंद्र बनता है, लेकिन करोड़ों अश्वमेध यज्ञ से ब्रज का एक धूल को भी कोई प्राप्त नहीं कर सकते, यही से ब्रज धाम है। बोले तुम्हारी जितने अहंकार को भी मैं दिखाता हूँ। इसलिए भगवान ने क्या किया है, बोले इंद्र पूजा को बंद कर दो, पूजा करना तो श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। हैं भगवान कृष्ण स्वयं कृष्ण सेवा की ठाकुर जी शिक्षा देते हैं। कल ये दूसरा कारण है। बोले तीसरा कारण क्या है, कल जितने ब्रजवासी है कृष्ण ही अभिन्न रूप में राधा रानी रूप में प्रकट हुई, राधा रानी ही एक एक भाव को ये गोपी रूप में प्रकाश किया। जितने गोप कौन है ये कृष्ण ही स्वयं प्रकाशित हुए। अभी कृष्ण सोच रहे हैं मैं चाहता हूँ 7 दिन तक ये ब्रजवासियों को साथ में एकत्रित होकर के मैं आनंद महोत्सव करें। और जो राधा रानी से मिलने के लिए बड़ा कठिन होता है, गोपियों से इसे क्या काम करे जब ब्रजवासियों को साथ में एक साथ में हो सकूं। बोले जब मैं गिरिराज गोवर्धन उठाऊंगा, इंद्र जब बारिश करेगा, नहीं चाहने पर भी सबको गिरिराज को नीचे आना पड़ेगा, फिर राधा रानी गोपी से आनंद अपनी आप मिलूंगा। इसलिए इसका ये एक कारण है। बोले जो चौथा कारण है, कृष्ण क्यों गिरिराज उठाना चाहते हैं, तापर यहाँ पर हमारे टीकाकार लोग कहते हैं, कहते ब्रज का हीरो कौन है, ब्रज का हीरो कौन है, भगवान बांके भी आए। कहते वहां की हीरोइन कौन है, राधा रानी गोपियां हैं। देखना सिनेमा में जब कोई एक हीरो किसी हीरोइन को अपना तरफ में आकर्षण करना चाहता है क्या करता है, वो हीरोइन को सामने कुछ बहादुर दिखाएगा, कुछ लोगों को इकट्ठ कर देगा, एक खूब मारपीट करेगा, सबको हरा देगा। हीरोइन बोलेगा बावारी बड़ा भलवान ही है, वो फिर अपने आप उसको प्रति आकृष्ट हो जाता है। इसलिए ब्रज का हीरो कृष्ण है। अभी हीरोइन गोपियां अभी कृष्ण रासलीला करना चाहते हैं, लेकिन अकेला तो रास कर ही नहीं सकते ब्रज गोपियों के राधा रानी के बगैर। इसलिए कृष्ण ने सोचा हमें कुछ काम करना पड़ेगा, हीरो का काम करना पड़ेगा। उनने 2 काम किया है। पहला काम बहादुर दिखाया, उनने कालिए के सर के ऊपर में ठाकुर जी नृत्य किए। जब ठाकुर जी हैं जो नृत्य कर रहे थे, बोले कोई गिलासिया के ऊपर नाचता है, कोई रस्सी के ऊपर नाचता है, कोई सर पर कलसी रख करके नृत्य करता है, लेकिन आपने कभी देखा सांप के सर के ऊपर कोई नृत्य किया है? कहते आज मैं कालिया के सर के ऊपर नृत्य करके दिखाऊंगा। कालियों का 100 फण था, जब कृष्ण नृत्य कर रहे थे उसी समय कृष्ण एक सर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे ठाकुर जी है एक सर से दूसरे सर में छलांग लगा कर जा रहे थे। उसी समय में सूरदास जी एक बड़ा सुंदर पद गाया है, बोले तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। पम पम पद पद गत पम 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 पद 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 पम पम पद 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 पम पम पद 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 पद
इसलिए शंकर जी का एक नाम है, शंकर जी का एक नाम है नटराज। जितने नाचने वालों में सबसे बढ़िया नाचने वाले श्री शंकर जी। लेकिन कृष्ण ने जब कालियों को सर के ऊपर नृत्य की, शंकर जी बोले ठाकुर जी पहले तो मैं सोच रहा था सबसे सुंदर नाचने वाले हैं, लेकिन प्रभु आप इतने सुंदर कालिये के सर के ऊपर नृत्य किए, सारे देवता लोग आकाश में आ गए, सबके सब बाजा बजा रहे थे, लेकिन वो ताल नहीं दे पा रहे थे, इतने तेजी से ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे। इसलिए शंकर जी जिसको देख कर कहते हैं बम बम बलिहारी, प्रभु बलिहारी हो, बोलो अंके बिहारी लाल की जय हो। इसलिए उन्होंने दूसरा उन्होंने बहादुरी दिखाई। क्या बहादुरी दिखाई? कृष्ण ने गिरिराज उठाए। गए हो गिरिराज जी? कौन कौन गिरिराज गए हैं? सब गिरिराज गए हो, जिसको परिक्रमा करने में 6-7 घंटा लग जाती है, इतना बड़ा गिरिराज गोवर्धन। इसलिए है 7 क्रोश श्री गिरिराज गोवर्धन है। इसलिए ठाकुर जी कौन सा हाथ में उठाए? बोले बाम हाथ से। कौन सा अंगुली में? बोले सबसे छोटी अंगुली, कनिष्ठ अंगुली में कृष्ण गिरिराज उठाए। 7 साल के 7 क्रोश और ठाकुर जी 7 दिन तक गिरिराज उठाए। इतने में जितने ब्रज गोपियां थी बोले बाहरी बड़े बहादुर है, 7 दिन तक इतने बड़े गिरिराज गोवर्धन को और दिन रात मिलाकर 7 साल में उठाए। जितने ब्रज की गोपियां थी ना, सब के सब कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो गए, उनकी चरण में तन मन सब कुछ ठाकुर जी की चरण में दे दिया। इसलिए कृष्ण ये रासलीला करना चाह रहे थे, ये ब्रज गोपियों के बगैर ठाकुर जी रास कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए मानो ठाकुर जी उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने धारण किया। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय है। ये सब कारणों को लेकर के कृष्ण गिरिराज उठाया। जब 1 साल बीत गया, इंद्र 1 साल से इंतजार कर रहा था। बोले क्यों? जैसे मानो घर में कोई बढ़िया कोई तिथि आए जिसमें बढ़िया बढ़िया खाना बनता है, साल में एक बार लोग क्या करते हैं, कब वो तिथि आए घर में बढ़िया बढ़िया पकवान बने और भोजन मिले। इसलिए इंद्र 1 साल से इंतजार कर रहा था, क्योंकि ब्रज में 365 गांव के लोग बड़े सुंदर सर मालपुआ राबड़ी रसमलाई हैं, बड़े सुंदर सुंदर भोजन दाल बाट चूरमा बड़े सुंदर सुंदर लाते थे और साल में एक बार भोजन मिलता था। इंद्र ने देखा 1 साल बीत गया, लेकिन इस बार तो कोई हमारी पूजा की कोई नामगंध नहीं, क्या बात है? तो उन्होंने एक दूत को भेजा, देख कर के आओ तो क्या हो रहा है ब्रज में। वो दूत आकर के देखा, वो इंद्र के लिए जितने पकवान बनाता ना, वो कृष्ण सबको लेकर गिरिराज की पूजा करा रहे। इतने में जाकर के इंद्र को शिकायत कर दिया, बोले महाराज इंद्र ये कृष्ण तुम्हारे लिए जितने बढ़िया बढ़िया पकवान बनाता लेकर के श्री गिरिराज की पूजा करा रहा है। है इंद्र को तो क्रोध आ गया, कृष्ण को तो गाली देने लग गया, ये बालक स्तब्ध है अज्ञानी, तरह तरह से कृष्ण को गाली देना शुरू कर दिया। बोले मेरे को पूजा छोड़ करके पहाड़ की पूजा करवा रहे, अभी मजा चखाता हूं। संवर्तक में अनचास पवन को बुलाया, बोले ब्रज में ऐसे मुसलधारा से बारिश करो जैसे ब्रज नाम का कोई गांव नहीं रह जाए। ऐसे बारिश हुई, शिला वृष्टि हाथी के सूड के जैसे मुसलधारा से बारिश, घड़गड़ चढ़ चढ़ चढ़े ऐसे आवाज हुई, मानो एकदम प्रलय आ गया ब्रज में।
जितने ब्रजवासी थे सारे को सारे ब्रजवासी कृष्ण को पास में गए, बोले देख कृष्ण ये इंद्र पूजा बंद करा दिया तो इंद्र क्या नटखट कर रहा है, बोले चिंता क्यों करते हो, हमने गिरिराज की पूजा की ना, गिरिराज हमें आश्रय देगा, चलो सारे सामान को लेकर के गिरिराज की तलहट में चलो। हे कृष्ण जैसे छोटा बच्चा एक छतरी को उठा ले, ऐसे ही कृष्ण श्री गिरिराज को उठा लिया। बोले गिरिराज बाबा की जय हो। बोले ब्रजवासियों कोई चिंता मत करो, सारे सामान को ले आओ, ला करके गिरिराज को नीचे आ जाओ। सबके सब ब्रजवासी आ गए, आ करके जितने गोप लोग थे ना लठिया लेकर लगा दिया। बोले कन्हैया तो कब तक गिरिराज को उठाओगे, थोड़ा थोड़ा हाथ को थोड़ा विश्राम ले ले, थोड़ी सी नीचे कर ले। कृष्ण बोले देखो तुमसे ये गिरिराज नहीं उठेगी। बोले क्यों, तू क्या अकेला मैया का दूध पिया, हमने मैया के दूध नहीं पी, हम भी मैया की दूध पिए, इसलिए हाथ को नीचे कर दे, हम गिरिराज को उठा लेंगे। इतने में कृष्ण जब हाथ को धीरे धीरे नीचे किया ना, वो जो गिरिराज था वो धीरे धीरे नीचे आने लग गया, वो जो डंडा लगा कर रखे थे सब डंडा सब टूटना शुरू हो गया। इतने में बोले कन्हैया हमसे गिरिराज नहीं टिकेगा, तू ही गिरिराज को धारण कर ले। इतने में मैया जसोदा लाला को बारंबार मक्खन खिला रही थी, हाथ को मालिश कर रही थी, हमको बोले 10 मिनट हाथ उठा कर रखो, कितना कठिन है। और 7 दिन तक जो गिरिराज को उठाए कोई साधारण बात है। इतने में मैया बारंबार मक्खन खिला रही थी, इतने में सामने राधा रानी आ गई। ए राधा रानी को देखते ही, राधा रानी कौन है, बोले राधा रानी ये साक्षात प्रेम स्वरूपिणी है, इसलिए बोले वैदग्ध सिंधु रनुरागिक सिंधु वात्सल्य सिंधु रतिसांद्र कृपायिक सिंधु श्री राधिके स्फुरत में हृदिकेल सिंधु। ये राधा रानी साक्षात देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परा देवता राधा रानी, ये साक्षात प्रेम स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी। कृष्ण जब केवल राधा रानी को सामने दर्शन किए, हमारे गोस्वामी लोग कहते हैं बोले बेणो करान निपतित स्खलितम शिखंड भ्रष्टंच पीतवसनम ब्रजराज सुनो। जब राधा रानी एक तेरछी चितवन से कृष्ण को दर्शन करते हैं, उसी समय में कृष्ण की बंसुरी गिर जाती है, मरु मुकुट गिर जाती है, कभी कभी कृष्ण भी स्वयं कृष्ण वहां गिर जाते हैं। जब राधा रानी को कृष्ण दर्शन की, कृष्ण जो गिरिराज उठाया था ना, गिरिराज डगमगाने लग गए हैं, क्योंकि कृष्ण राधा रानी को दर्शन करते हुए अपना आपको संभाल नहीं सके। इतने में सखाओं ने कहा कन्हैया क्या कर रहे हो, किधर देख रहे हो, उधर मत देखा करो, ये गिरिराज को नीचे सबके सब ब्रजवासी, अगर ये गिरिराज गिरेगा तो सबके सब चकनाचूर हो जाएगा सारे ब्रजवासी, किधर तू देख रहे हो। इतने में राधा रानी को उन्होंने किया कि एक कपड़े से राधा रानी को ढक दिया, क्यों, राधा रानी को दर्शन करते कृष्ण अपने आप को संभाल नहीं सकते थे। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। इतने में कृष्ण गिरिराज उठाए, सारे ब्रजवासी उसको नीचे आश्रय ले रहे। जब उन्होंने 7 दिन ऐसे बीत गई, इंद्र ने एक दूत को भेजा, बोले देख करके आओ ब्रज में क्या हो रही है। वो दूत आया ऊपर ऊपर से देखा, बोले महाराज इंद्र ब्रज में एक चिट्ठी तक भी नहीं, सब खत्म। इंद्र ने दूसरे को भेजा, भैया तू देख कर क्या, वो तो ऊपर ऊपर देख कर गया था। जब नीचे आया वो दूत, देखा एक चिट्ठी तक भी मरे नहीं, ब्रज में तो धूल उड़ रहा है। और जितने ब्रजवासी कृष्ण को दर्शन करते हुए वहां पर तो सबके सब आनंद ले रहे थे। बोले आज भी रज में होरी रे
देखा तो होरी मच रहा है। जब उसने वापस गया, इंद्र ने पूछा ब्रजवासियों को सत्यानाश हो गया कि नहीं। बोले ब्रजवासियों को सत्यानाश क्या, तेरा ही सत्यानाश हो गया। बोले मतलब, बोले जिसको तू साधारण बालक समझ रखा था ना, वो गिरिराज को कनिष्ठ अंगुल पर धारण कर रहे थे, और तू जो सोच रहा था ब्रज में कोई बड़ी भारी विपत्ति नहीं, वह तो संपत्ति है, वो तो कृष्ण को दर्शन करते हुए इतने आनंद, वहां पर तो उत्सव हो रहा था। इंद्र ने देखा, भैया ये बालक कौन है, वो ध्यान लगा करके देखा ना, इसको प्रभु है। इंद्र बद को तो बलि ने छीन लिया था, ठाकुर नहीं बामन अवतार ने बलि महाराज से लेकर के उनको इंद्र बद दिया था, ये तो मेरे प्रभु साक्षात। इंद्र इतने घबरा गया, अपना पत्नी सची को साथ में अमरावती में विश्राम करने के लिए गया, लेकिन उसको नींद नहीं आई, इतने घबरा रहा था, मतलब गया मेरी पद। इतने में गया गुरुजी को पास में, गुरुजी बोले भैया मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बोले चलो ब्रह्मा जी को पास में, ब्रह्मा बोले सत्यानाश हो गया तुम्हारी। बोले क्या है, बोले मैं भी कुछ दिन पहले बड़े बुरी तरह से फंस गया था। बोले आप भी फंस गए थे। बोले हाँ। बोले ये कृष्ण अवतार ऐसे एक अवतार हुए ना, सबके सब ठाकुर जी के चरण में नाक रगड़े। बोले कैसे फंस गए थे,
बोले कृष्ण जब उन्होंने अघास रूप वध किया, देवता लोग भी जिसको देख कर डरते थे, इतने में अघास रूप वध जब की उसकी शरीर से एक ज्योति निकली, वो ज्योति कृष्ण का शरीर में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही जितने देवता लोग थे ना, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की। जब भगवान की जयकार दे रहे थे, ये जयकार ब्रह्मलोक में पहुंचा। मैंने देखा भैया देवता लोग जय जय क्यों कर रहे हैं, देखने के लिए आए तो मैंने ये लीला को देख करके मैं भ्रमित हो गया। फिर कृष्ण जा करके सखाओं के साथ में यमुना किनारा में बैठ करके कलवा भोजन कर रहे थे, और कृष्ण सब सखाओं को जूठन खा रहे थे। किसने कहा, कन्हैया मेरे लाला मेरी मैया ने बड़ी सुंदर मालपुआ भेजा है, पहले खा लेते थे, किसने छीन कर खाते थे। किसने कहा, मेरी मैया तो बड़ी सुंदर पकड़ो भेजा है। किसने कहा, मैया तो बड़ी सुंदर छाछ भेजा है, जैसे भोजन लेकर जाते थे दूध भात दही भात। कृष्ण सबको झूठो खा रहे थे। ब्रह्मा जी बोले मैं तो मोहित हो गया, ये कैसे भगवान है, भगवान थोड़ी किसको झूठा खाते, भगवान की झूठा दुनिया खाता है। लेकिन ठाकुर जी को सबकी झूठा खाते हुए देख करके मैं भ्रमित हो गया। मैं थोड़ी सी आगे लीला देखने के लिए कृष्ण की मैंने बछड़े को मैंने चोरी की। जब सखा लोगों ने बछड़े को ढूंढने के लिए गए, कृष्ण बोले बैठो मैं देखता हूँ। जब कृष्ण ढूंढने के लिए गए, मैंने सखाओं को भी चोरी करके एक गुफा में मैंने बंद कर दी। बंद करके मैंने जो ब्रह्मलोक में पहुंचा, कृष्ण उसको पहले से ही ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बनकर बैठ गए। उनका दरुआन को बोले देखा, देखो मैंने मेरे जैसे कुछ बहु रुपया को घूमते हुए देखा, खबरदार अगर मेरे जैसे कोई आए ना घुसने मत दिया करना। ब्रह्मा जी बोले मैं जब ब्रह्मलोक में पहुंचा, मेरे जो नौकर लोग थे ना, मेरे को डंडे लेकर के मेरे नौकर लोग मेरे को भगाए। बोले तू कहां से आ गया, हमारे प्रभु तो अंदर में बैठे हुए। मैंने कहा भैया मेरे रूप धारण करके कौन बैठ गया। उन्होंने देखा कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा के आसन को दखल कर लिए, उनको आसन को दखल कर लिए। इतने में ब्रह्मा गए और आए, लेकिन इसी मरते जगत में हो गया एक साल। बल एक साल पहले मैंने जैसे देखा था कृष्ण ग्वाल बालों को साथ में सखाओं को साथ में बछड़े चरा रहे थे, कृष्ण स्वयं बछड़े और सखा कृष्ण बन गए। खुद खुद कृष्ण अपने आप में लीला कर रहे थे। फिर मैं तो डर गया, बोले भैया सबके सबको तो मैंने छुपा करके रखा, फिर ये कहां से आ गए। शायद कृष्ण उनको ले आए। जब वहां पर गए देखा नहीं, सबके सब बछड़े और ग्वाल बाल सबके सब बेहोश होकर पड़े हुए वहीं पर जैसे को तैसे है। मैंने देखा ये सच ना ये सच है। एक साथ में मैंने दोनों तरफ में मेरा चार ही सर है, इधर दो सर, जब दोनों तरफ में देखा कृष्ण दिखाया, देखो ये सब कौन है। देखा सबके सब नारायण नारायण नारायण, आप ब्रह्म स्तंभ नारायण, सर्वत्र नारायण नारायण। ब्रह्मा तो बोले एक नारायण की नाभि कमल से मेरा सृष्टि हुआ, हमें पता एक नारायण, लेकिन यहाँ तो अनंत नारायण है। फिर तो ब्रह्मा समझ गए कि जो कृष्ण है ना, ये मेरे बाप का बाप का बाप भी कृष्ण है। तब ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रहम अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण। ये ब्रह्मा कह रहे हैं, बोले कृष्ण कौन है, बोले अनादि। बोले अनादि कौन, बोले जो महाविष्णु से ये जगत सृष्टि होता है। कहते उनका जो आदि, उनका आदि कौन, बोले शंकर सन। बोले उनका आदि कौन, बोले बलदेव। बोले उनकी जो मूल कौन है, ये भगवान श्री कृष्ण। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन नाना बतार मकरो भुवने सुकिंतु कृष्णा स्वयं सम भवेत परम पुमान जो गोविंदं मादि पुरुषम तमहांग भजामि। यही कृष्ण ही युग युग में अलग अलग मत्स्य कुर्म बराह नृसिंह ये अवतारों को लेकर के जगत में आते हैं। इसलिए कृष्ण ही कहते हैं जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे अर्जुन, जब जब इस युग दुनिया में
धर्म की हानि होने लगता है। मैं ही जुग जुग में अवतीर्ण होकर के भक्तों को रखिया, दुष्टों को मैं विनाश करता हूं। ब्रह्मा जी उन्होंने सब कुछ उन्होंने दर्शन करके ब्रह्मा जी ठाकुर के चरण में सीधा लेट गई और लेट करके उन्होंने भगवान को 40 श्लोक में भगवान को स्तुति की। आज हम लोग कोशिश करेंगे, ध्यान देकर सुना, दो श्लोक को सुनेंगे। बहुत अच्छी बात ब्रह्मा कहते हैं, आप लोग भी ध्यान लगा कर सुने बात को। अगर इसका एक श्लोक भी याद कर लोगे ना, अगर जीवन में थोड़ी मोड़ी कोई दुख कष्ट आ जाएगा फिर दुखी नहीं होगे। नहीं तो कभी क्या करते हैं जानते हो, भगवान की भजन कर रहे हैं, अगर थोड़ी मोड़ी कोई कष्ट आए ना, देखना कुछ छोड़े भले ही मत छोड़े, ये माला को छोड़ देते हैं। कहते हमने भगवान की इतना भजन की और ठाकुर जी हमारे साथ में ऐसे किया है, लेकिन खाना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, क्या छोड़ देते हैं, माला छोड़ देते हैं। हैं मतलब माला छोड़ने के लिए पहले तैयारी बैठी, ये माला कम छूटे, ये माला छूट नहीं रहा। हाँ देखो यह ब्रह्मा जी बड़ी अच्छी अच्छी बात कहते हैं, बोले तत्व कम्पास सुमिक्स मान भुंजाम एवात्म कृतम विपाकम। देखो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, बोले जीवन में जो कुछ आता है कभी दूसरों के ऊपर दोष मत दो, उसकी वजह से हो ऐसे हो गया, उसने मेरे प्रति ऐसे किया, उसने ऐसे कर दिया। भाई कोई किसको प्रति कुछ नहीं करते हैं, हम जैसे बीज बोते बोएंगे वैसे तो वृक्ष होगा ना, जैसे आम का गुठली बोएंगे तो कौन सा वृक्ष होगा बोलो, आम ही होगा, नीम नहीं होगा। क्यों, तुमने आम का गुठली बोए हो, अगर हमने चीकू का बीज बोएंगे तो कौन सा पेड़ होगा, केले का, चीकू का होगा। नीम का बीज बोएंगे तो कौन सा वृक्ष होगा, नीम का। इसलिए ब्रह्मा आप लोग रसोई बनाते हो घर में, कौन कौन रसोई बनाते हो, सब बनाते हो। देखो अच्छे तरह समझो, कहीं दाल रख दिया, कहीं हमने नमक रखा, कहीं उन्होंने चीनी रखा, कहीं चावल रखते ना अलग अलग जगह पर। जब हम सबके सब अलग अलग जगह पर रखते हैं, जो चीज को हमने जहां रखा होंगे रखेंगे, जब जहां चावल रखे हो हाथ लगा हुआ तो क्या आएगा, चीनी आएगा ना चावल आएगी, अरे बोलो जोर से, चावल आएगा ना चीनी नहीं आएगी। इधर क्या मोबाइल, क्या मोबाइल को नीचे रखो, हरे कृष्ण। देखो कथा में ना अच्छे तरह सुनो, हम इतना कठिनी से समझा रहे हैं, अब इधर उधर बात में, कथा में बात मत करो, चुपचाप बैठो। बीमारी कथा में भी बैठे तभी मोबाइल देखा, इधर सुना ठीक से। इसलिए कहते ब्रह्मा जी कहते हैं हमने जैसे कर्म किया है वो कर्म के अनुरूप हम फल भोग रहे, इसलिए कभी किसको पर मत दोष लगाया करो, हैं नहीं लगा करके क्या करो। लेकिन अगर प्रभु की भक्ति करते करते अगर हमें कोई दुख कष्ट आ जाए तो देखो उसको नेगेटिव रूप में मत लिया करो, उसको पॉजिटिव रूप में लो। देखो एक छोटी सी कहानी सुनो अच्छे तरह से, देखो ये कथा को सुनना, तुम्हारे जो अड़ोसी पड़ोसी है ना, ऐसे नहीं 7 दिन खत्म, कथा भी खत्म, तुम भी खत्म हो गए। गुरु जी कहते थे जो कथा सुन करके जाते हो, जब अगली बार आओ, गुरु जी कहते थे कम से कम 10 लोगों को लेकर के आओ। कितने लोगों को, लेकिन 10 लोगों को कब लाओगे, जब भगवान के बारे में सुनाओगे ना तभी तो आएंगे, नहीं तो आएंगे कैसे। इसलिए यहाँ से जब कथा सुन करके जाओ, इतने ज्ञान प्राप्त करके जाओ, घर में जब जाओ सबको ये कथा सुनाओ, भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति करो। उनको कुछ समझाना पड़ेगा ना, कुछ सुनोगे तब तो समझाओगे, नहीं सुनोगे तो कैसे समझाओगे, समझा नहीं सकते हो। इसलिए ध्यान से सुनो, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब मेरे तरफ में देखो, इधर उधर कोई मत देखो, तुम भी घूम कर बैठो, तुम ज्यादा दिमाग चलाती हो। हरे कृष्ण, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ देखो एक छोटी सी कथा सुनो, अगर कोई भक्ति कर रहे हैं, अगर जीवन में कोई दुख कष्ट आ गया, अगर बोले उनको कैसे समझाओगे, सुनो ध्यान से। एक समय 2 भाई थे, एक भाई तो पूरा नास्तिक, नास्तिक मतलब जो ठाकुर को नहीं मानता है, एक भैया थे आस्तिक, जो आस्तिक मतलब भगवान को मानता था, खूब दिन रात ठाकुर को भजन पूजा करता था, और जो नास्तिक था भक्ति नहीं करता था उसको खिली उड़ाता था, बोले क्या दिन भर माला लेकर हरे कृष्ण कर रहे हो, जब देखो ठाकुर को पास में बैठे हो। वो दुखी होता था। एक दिन दोनों भाई निमंत्रण में जा रहे थे,
निमंत्रण में जाते जाते जो भाई भक्ति नहीं करता था उसके के सोने की मोहर मिल गया। उसने कहा देखा तू इतने राम राम कृष्ण कृष्ण दिन भर करते हो, देख तेरे कुछ मिला, मेरे को सोने की मोहर मिला। बोले वाह भैया बात तो सही है। लेकिन जब थोड़ी दूर गए जो भजन करता था उसको पैर में एक लोहे की सीख गड़ गई, वो खून की धार बहने लग गया। बोले देख लिया तुमने इतने भक्ति करते हो तेरे को क्या मिला और मेरे को क्या मिला। वो तो दुखी हो गया। उसने ठाकुर जी को स्मरण किया, ठाकुर जी दिन रात तेरा मैं इतना भजन करता हूँ, तुम सबके सामने मेरी अपमान करते हो। इतने में आकाशवाणी हुआ, बोले देख बेटा ध्यान देकर सुन, क्यों तेरे को प्यार में सीख क्यों गड़ी, उसको क्यों सोने की मोहर मिली। सुन ले, जिसको सोने की मोहर मिली है उसने इतने दान और इतने पुण्य किया था, आज का दिन राज दरबार में उसको राज सिंहासन मिलने वाला था, लेकिन वो मुझे मेरे भक्तों को बुराई करता है, उसको सारे पुण्य मैंने खत्म कर दी और केवल एक सोने की मोहर दे करके मैंने उसको छुटकारा दिया था। देख तेरी बात सुन, तू पहले जन्म में एक मर्डर किया था, लेकिन तू चूंकि मेरे भजन करते हो इसलिए मैंने तेरे सारे पाप को खत्म कर दिया। खत्म करते करते जो थोड़ी सी पाप रह गई थी केवल तेरी प्यार में एक सी गड़ा करके तेरे को छोड़ दिया। तू ये मत समझो जो भजन करते हैं उसको जीवन में कष्ट आता है और भजन जो नहीं करते वो सुख में रहते, ऐसे मत सोचा करो, ठीक है ना। हाँ और एक कथा सुनो, अभी प्रश्न कर दूंगा, मेरे प्रश्न को उत्तर देना ठीक से, देखता कौन उत्तर दे सकता है, ध्यान से सुनो। जैसे यहाँ पर गेहूं होता है ना चावल होता है, दोनों होते हैं। देखना जो गेहूं होता है ना कि ड्रम बनाते हैं, और ड्रम के अंदर में गेहूं को डाल देते हैं, उसमें नीचे एक छेद होता है, जितना जरूरत उतना निकाल करके पिसवा करके आटा बनाकर खाते हैं। जैसे इसी साल हमने गेहूं की खेती की, लेकिन गेहूं बारिश बढ़िया नहीं हुआ तो गेहूं का दाना छोटा छोटा हो गया, उसको भी ड्रम में डाल दो। अगले साल हमने जब गेहूं की खेती की, बहुत बढ़िया गेहूं हुआ, दाना बहुत बड़ा बड़ा हुआ, उसको भी ऊपर से डाल दो। अभी जब नीचे से गेहूं निकालोगे बताओ छोटा निकलेगा ना बड़ा निकलेगा, कौन बोले हाथ उठा, कौन सा निकलेगा, क्यों तुमने तो बड़ा गेहूं ऊपर से डाला है, आपने बड़ा गेहूं डाला ना। हाँ इसी चीज को समझो, इसी जीवन में दिखाई पड़ता है हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, किसकी बुराई नहीं करते हैं, किसकी अमंगल सोचते नहीं, लेकिन पहले जन्म में तुमने क्या करके आए क्या पता है, क्योंकि उसने पहले कौन सा गेहूं डाला छोटा, बाद में बड़ा डाला आएगा, लेकिन जब छोटा खत्म हो जाएगा, बड़ी भी आएगी लेकिन जब छोटा खत्म हो जाएगा। उसी तरह हमने जो जो कर्म किया है, अभी अगर दुख कष्ट आ रहा है मतलब ये समझनी चाहिए हमने कहीं कुछ बुराई काम किया था, इसलिए ये फल आ रहा है। लेकिन जो बड़ा गेहूं डाल रहे वो भी आएगा लेकिन जब छोटा खत्म हो जाएगा। हाँ और एक बात है, अगर हम डट करके प्रभु की भजन करें, भक्ति करें, जैसे वाल्मीकि जैसे पहले ही दशरथना करता, लेकिन जब नारद जी मिले, जब उसको राम का नाम दिया, उन्होंने ऐसे राम के नाम उसने जप की, कहते उल्टा नाम जपत जग जाना बाल्मीकि महे ब्रह्म समाना। वो दशरथना कर से वाल्मीकि बन गए। बोले क्यों, बोले ठाकुर का नाम की प्रभाव से। ये जो अजामिल की हमने कथा सुनी, ये भी बड़ा पापी था, उसने पहले ब्राह्मण घर में जन्म लिया, लेकिन एक वेश्या की चक्कर में पड़ करके सारे ब्राह्मण का धर्म कर्म छोड़ा, उसकी हाथ से अमेध्य कुमेध्य भोजन की, 10 बच्चे हुए, उनको पालन करने के लिए सारी गंधा काम की, लेकिन भगवान के नाम में इतने प्रभाव है, सारे पाप खत्म कर दिया, सारे पाप खत्म कर दिया। ये जो पूर्व जन्म का प्रारब्ध हमारी खत्म हो सकती है अगर डट करके अगर हम हरि नाम को ग्रहण करें तो, प्रभु का नाम में ही इतने शक्ति है जो तुम्हारे सारे पाप कर्म को ये खत्म कर सकता है। इसलिए एक बार हाथ उठा करके बोलो, जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए क्या करो, भगवान कहते हैं उड़ते सोते बैठते चलते ठाकुर जी की नाम को जप करो, भगवान की नाम को हर समय में जपा किया करो, इसी से ही हमारी कल्याण हो जाएगा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। इसलिए कहते जो जीवत सब मुक्ति पदे दाय भाग। देखो और एक चीज ब्रह्मा जी कहते हैं, जैसे पिताजी की अथा संपत्ति है, लेकिन वो संपत्ति बेटे को मिलेगा, लेकिन बेटे को कब मिलेगा, जब जीवित रहे तभी तो मिलेगा, अगर बीच में अगर मर गया उसको मिलेगी। उसी तरह हमारे पिता कौन है, वो अमृतस्य पित्रा। इसलिए तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधुस्य सखा तुमेव। इसलिए भगवान ही हमारी पिता के पिता ठाकुर जी है, हैं? जब भक्ति में चिरकाल के लिए धीरज धारण करके रहेंगे तब तो पिताजी की संपत्ति मिलेगा ना। अगर भक्ति अगर थोड़ी इधर उधर कुछ हुआ, भजन भजन छोड़ छाड़ करके बस सारे नास्तिक बन गए, तब मिलेगा संपत्ति, नहीं मिलेगी। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं जीवन में जो कुछ दुख कष्ट आता है ये समझो हमारे सारे बुरे कर्म खत्म हो रहा है, सारे पाप हमारी खत्म हो रही हैं, और कंटिन्यू भगवान की भक्ति करते रहो, भगवान की भक्ति कभी मत छोड़ा करो। दूसरे श्लोक में कहते हैं भले ज्ञाने प्रयास मधुपास्य नमंत एव जीवंती सन्मुख रीतंग भवदीय वार्ता स्थाने स्थितां श्रुतिगतां तनुभांग मनोभि जे प्रायस अजित जित भी त्रैलोक्या। कहते ज्ञान ज्ञान की सारे प्रयास को छोड़ करके क्या करो, बोले नमंत एव जीवंती सन्मुख रीतंग भवदीय वार्ता। बोले कहाँ रहो, बोले संतों की शरण में रहो, संतों की शरण में रह करके क्या करो, संतों की मुखार बिंद से भगवान की कथा रूपी गंगा की जो नदी बहती है उसको काय मन और वाक्य ये तीनों को द्वारा इसको श्रवण करो। काय से शरीर से कैसे सुनेंगे, कथा तो कानों से सुनते हैं, बोले शरीर से कैसे सुनेंगे, मतलब जहाँ कथा हो रही है वहां पर जाओ, ऐसे नहीं जाकर बैठ गए, ये नियम नहीं है। जाकर के सबसे पहले क्या करो, जिस कथा जहाँ स्थान पर कथा हो रही है पहले वो स्थान को प्रणाम करो, और कथा में जितने भक्त लोग उनको सबको प्रणाम करो, और जो कथा कर रहे हैं उनको भी प्रणाम करो। इसलिए सन्मुख रीतंग भवदीय वार्ताम, और क्या करो भगवान और उनकी भक्तों की क्या करो, कथा श्रवण करो। इसलिए काय बोले मन, बोले मन से तो कथा सुननी चाहिए, अगर मन नहीं रहेगा, अगर यहाँ बैठे हो मन और कहीं है, फिर कथा में क्या मन लगेगी, कथा सुन नहीं सकते हो, किंतु मन तुम्हारी और कहीं और किसी चीज में मन लगा हुआ। और वाक्य बोले वाक्य से कैसे कथा सुनेंगे, मतलब जो कथा हम सुन रहे हैं ये कथा को दूसरों को भी जाकर के सुनाया कर, अपना तक सीमित मत रखो। इसलिए महाप्रभु कहते हैं जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसको भी ठाकुर जी के बारे में बताओ, उसको भी भगवान के बारे में उनका भी बताया करो। ऐसे जो कथा श्रवण करते हैं, भगवान का एक नाम अजीत, अजीत मतलब होता है जिनको जितना जिनको पाना बड़ा ही कठिन है, लेकिन ऐसे जो शरणागत युक्त होकर के भगवान की भक्ति करते हैं वो अजीत होने पर भी वो हमारी भक्ति को द्वारा उनको भी हम जीत सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी जब भगवान को बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति कर रहे थे लेकिन भगवान खुश नहीं हो रहे थे ठाकुर जी, ब्रह्मा जी बोले ठाकुर खुश क्यों नहीं हो रहे, बोले अभी तक तो मैंने ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए स्तुति करते हुए देखा, थोड़ी सी उनकी भक्तों को स्तुति करके देखता हूं, तो उन्होंने बोले अहो भाग्यम नंद गो कब्रज कसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। जब उन्होंने भगवान भक्तों को ब्रजवासियों को स्तुति की, बोले ब्रजवासियों ने ऐसे कौन सा पुण्य की है
जो पूर्ण है, जो ब्रह्म है, जो सनातन है, सखाओं का सखा बन गए। अगर कृष्ण सखाओं के साथ में खेलते खेलते अगर कृष्ण कभी हार जाते हैं ना, बलकनिया घोड़ा बन, हमें घोड़ा घोड़ा बन करके हमको ये माट गांव से भांडरीवट तक ले चल, क्योंकि पहले हमने पान रखा जो हारेगा घोड़ा बनेगा। अगर कृष्ण कभी कहते मैं घोड़ा नहीं बनूंगा, बोले घोड़ा नहीं बनोगे सखाओं, ए इसको अलग कर दो, इससे कोई बात नहीं करना। कृष्ण कहते नहीं नहीं नहीं, मैं घोड़ा बनूंगा, मेरे को घोड़ा बना दो। भगवान भक्तों का घोड़ा बन जाते हैं। अगर सखाओं को अगर कहीं फल मिला है ना, पहले सखा लोग खा लेते हैं, बोले कन्हैया ये फल बड़ा मीठा है, बोले तू अकेले खाओगे, कृष्ण छीन करके झूठा खाते हैं ठाकुर। मैया जशोदा जब मक्खन चोरी, कृष्ण जब मक्खन चोरी करते हैं, मैया कहते लाला तेने मक्खन खाई, कृष्ण झूठ बोल देते हैं डर से, बोले मैया मोरी मैंने ही मक्खन खायो, सुना मैया मोरी मैंने ही मक्खन खायो, मैंने ही जय जय श्री राधे। इसलिए जब ब्रह्मा जी ब्रजवासियों को स्तुति करते हैं, इतने में कृष्ण मुस्कुरा दिए। पर ब्रह्मा को पता चला कृष्ण का कमजोर कहां पर है। भगवान ये शिक्षा देते हैं, मेरी स्तुति से मैं जितने खुश होता हूं, अगर मेरे भक्तों का अगर कोई स्तुति करे तो मैं जल्दी जल्दी उसमें प्रसन्न हो जाता हूं। फिर ब्रह्मा जी भगवान को जल्दी जल्दी तीन बार परिक्रमा लगाए, बोले प्रभु बोले जानंतो एव जानंतो। अगर कोई बोले अरे वही मक्खन चोर ना गोपियों को जो कपड़ा चुराया करता था उसकी बात करते हम सब जानते हैं। ब्रह्मा जी कहते भैया मैंने पितामह ब्रह्मा है, मेरे चार ही सर हैं, ये जगत को सृष्टि करने वाला मैं हूँ, कहते ये पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकते हैं, बारिश का बूंद को कोई गिन सकते हैं, लेकिन भगवान की महिमा को कोई था नहीं पा सकते, ऐसे भगवान कृष्ण की महिमा। इसलिए ब्रह्मा जी इंद्र को बोले, बोले इंद्र मैं भी फंस गया था बड़ी बुरी तरह से, बड़े कष्ट से ठाकुर जी मेरे को माफ की, नहीं तो मेरा इंद्र पद ही चले जाता। बोले पितामह आप ही बताओ अभी मैं क्या करूं। बोले देखो उनका नाम गोपाल है। क्या नाम है? इनका नाम गोपाल है।
जो गैया को जो पालन करते हैं, इसलिए गैया को सुरभि गाभी की अनुगत्य में हम चलते हैं। तो उन्होंने सुरभि गाभी की अनुगत्य में उन्होंने मंदाकिनी नदी गंगा पानी लेकर के लाए, ठाकुर जी को अभिषेक किया, माफी मांगे। ठाकुर जी को उन्होंने एक नया नाम रख दिया, गोविंद नाम रखा। बोले श्री गोविंद भगवान की जय, जय जय श्री राधे। बोले कात्यायनी महामाई महाजोगी नदीश्वरी नंद गो वसुतम देवी पति में कुरुते नमः। बोले ब्रज की छोटी छोटी बालिकाएं, बोले कितने साल की, बोले 3 साल 4 साल हैं, एकदम छोटी छोटी गोपियां क्या करती थी, एकदम सवेरे सवेरे सब गोपियों को बुला करके ले जाती थी, ले करके यमुना में स्नान करती थी और रेती की उन्होंने कात्यायनी की मूर्ति बना करके इसी मंत्र से कात्यायनी की पूजा करती थी। बोले हे कात्यायनी हे महामाये, मतलब अघटन घटन पटियसी, जो असंभव को जो संभव कर सकती हैं कौन, ये कात्यायनी देवी अगर आप हमारे ऊपर में कृपा करना चाहते हो कि जो नंद के लाला जो कृष्ण हैं ये हमारी पति हो जाए। जब उन्होंने 1 महीना तक उन लोगों ने एक बार के बार हविसार न पा करके जब उन्होंने कठिन कठोर साधन भजन की, भगवान संतुष्ट हो गए। ठाकुर जी संतुष्ट हो करके एक दिन जब महीना पूरी हो गई, लास्ट का दिन, पहले जो जो गोपियां भगवान की पूजा करती थी कि सबके सब ये साधन सीधा, मतलब जिन लोगों ने साधन करके आए हैं ये साधन सीधा गोपियां थी, लेकिन लास्ट का दिन जो नित्य सिद्ध जो गोपी राधा रानी ललिता विशाखा इनको साथ में लेकर के आए, जिस दिन इनकी व्रत पूरी होगी, आए तो भगवान कृष्ण जिनके वस्त्र हरण की, भगवान ने वस्त्र नहीं उठाया, उनको साथ में कुछ प्रिय नर्म सखा थे, उन लोगों ने ये वस्त्र को उठाए, भगवान ने वस्त्र हरण करके, जब स्त्रियों का जो सब कुछ इज्जत मान हैं, इसलिए लेकिन गोपियों ने सब कुछ छोड़ करके संपूर्ण रूप में कृष्ण के चरण में ये लोग शरणागत हो गए। भगवान उनकी शरणागत को देख करके प्रसन्न हो गए, बोले मैं शरद पूर्णिमा में तुम सबको साथ में मैंने रास रचाऊंगा, तुम लोग शरद पूर्णिमा में आओ। अभी भगवान रास रचना चाह रहे थे, जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये रास लीला को वर्णना करते हैं, देखो जहां जहां इन्होंने भगवान की दिव्य लीलाओं को उन्होंने वर्णना की, सबसे पहले उन्होंने सावधान कर देते हैं जीवों को, बोले सावधान। बोले क्या सावधान है, बोले रास रचाने वाले कौन है, बोले भगवान अपिता रात्रि शरद उत्पुर्ल मल्लिका भीक्षरंत मनश्चक्रे जोग मायांग मुपाश्रिता। ये जो रास रचाए है ये कोई साधारण जीव नहीं, ये भगवान है। कौन है, कौन है रास रख रहे, भगवान मतलब क्या है, देखो अच्छे तरह समझो। हम लोग क्या करते हैं ना, जिसको तिसको पीछे भगवान भगवान करके उसको पीछे भाग जाते हैं, ये अमुक भगवान आ गया, नया भगवान आ गया, ये नई नई से भगवान कोई आ गए, भैया सबको पीछे भगवान बोलकर सबको पीछे नहीं भागनी चाहिए। भगवान तो हमारे कृष्ण है, भगवान तो हमारे राम, और कोई भगवान नहीं है। अब जो नए नए से भगवान निकलते हैं ना है, इनको पीछे चक्कर में कभी फंसा मत करो, क्योंकि हमें भगवान की डेफिनेशन पता नहीं, इसलिए जिसको तिसको पीछे भगवान बोलकर भाग जाते हैं। अभी गिरिराज की कथा सुन रहे थे ना, कितने बड़े गिरिराज ने पहाड़ को उठाया, 7 मील उन्होंने गिरिराज की उठाया, जिसको परिक्रमा लगाने के लिए 7-8 घंटा लगती है। अभी जिसको भगवान कहते हैं एक 10 क्विंटल का पत्थर ला करके सर पर रख दो, सारे भगवान निकले जाएंगे सर। अभी भगवान काली हरद में कूदे, जिसको ऊपर में कोई चिड़िया तक भी उड़ करके नहीं जा सकते, चार तरफ में कोई पेड़ पौधा नहीं था, लेकिन भगवान कालियों को सर पर नृत्य की। अभी जिसको भगवान कहते हैं उनको थोड़ा मुंह में थोड़ा जहर दे करके देखो, ब्रज में 3 बार आग लगी, भगवान ने अग्नि को दावान लघु ठाकुर ने पान किया। अभी जिसको भगवान कहते मुंह में थोड़ा आग लगा कर देखो,
इसलिए भैया भगवान कोई जीव नहीं हो सकते, भगवान तो हमारी राम है, भगवान हमारी श्री कृष्ण चंद्र है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो ये रास रचाने वाले कौन है, ये भगवान है, ये ठाकुर जी है। कितने गोपियों को साथ में रास दिया था, कहीं कहीं पर वर्णना आती है 100 करोड़ गोपियों को साथ में, कहीं कहीं पर वर्णना आती है 300 करोड़ गोपियों को साथ में ठाकुर जी रास की। और कृष्ण जब द्वारका जाते हैं कितने महिषिया ठाकुर जी की, 16108। इतने महिषियों के साथ में ठाकुर जी रहते थे हैं। आप लोग ने सब शादी किए हो, कौन कौन शादी किए हो, सब शादी किए ना, जो शादी किए ना, एक पत्नी को संभालना कितना कठिन है आपको पता होता होगा, आपको पता होगा ना, एक पत्नी को संभालना कितने कठिन। देखो एक समय, हाँ देखो एक समय जब लड़की शादी होकर के ससुर घर जाती है ना, बहुत रोती है। एक समय कोई एक दुल्हनी शादी करके जा रही थी, बहुत रो रही थी, परिवार समझा रहे थे बेटी कोई चिंता मत करो, हम बीच बीच में आ जाएंगे, तुम भी बीच बीच में आ जाना, कोई चिंता मत करो। लेकिन उसकी रोना ही बंद नहीं हुआ। उसको पति ने कहा क्यों इतना रो रहे हो, चुप हो जाओ। वो कहती है जीवन में पहला बार मैंने रो लिया, आज से मेरा रोना खत्म, कल से तेरा रोना शुरू हो जाएगा। अभी जिंदगी भर तू रोगे, मैं जिंदगी भर में नहीं रोगी। इसलिए एक पत्नी को पालना करना, आपको पता चलता होगा एक पत्नी पालना करना कितने कठिन है। अगर किसको घर में दो पत्नी हो जाए ना, देखना दिन भर महाभारत, दिन भर घर में महाभारत चलती है। बोले एक समय एक व्यक्ति का दो पत्नी थी, पति बाहर का काम करके आता है, सोचता है घर में आने पर पत्नी मीठी मीठी बोली बोलेगी, पास में बैठा करके रोटी चावल खिला के पंखा झुलाएगी। लेकिन घर में आए तो रोज झगड़ा दोनों पत्नी में। बोले उसने ऐसे बोल दिया, बोले उसने ऐसे बोल दिया। वो तो परेशानी, बोला दोनों के लिए दो मंजिल मकान बना देता हूँ, एक ऊपर रहेगी एक नीचे रहेगी, घर में झगड़ा नहीं होगा। लेकिन जो नीचे रहती है ना, जब पति बाहर से काम करके आता है, वो नीचे एकदम गरम गरम सब्जी दाल भात बना कर रखती है, और पति आते ही पकड़ करके जोर जबरदस्ती घर में ले जाती। लेकिन जो ऊपर रहती वो दिन रात, हाँ बेचैनी दिन रात एकदम दुखी दुखी। एक दिन जो ऊपर रहती थी, एक दिन नीचे उतर करके आ गई, बोले आज मैं दिखाता हूँ मजा, रोज रोज नीचे चले जाते हैं नीचे। जब पति आए ना बाहर से, बोले रोज रोज नीचे चले जाते हो, मैं ऊपर बैठी जाती, चलो आज ऊपर चलो। इतने में हाथ पकड़ करके उसको ले जा रहे थे ऊपर, जो नीचे थी ना, बोले मैं भी तो खाना बना कर बैठी हूँ। एक तो हाथ पकड़ करके ऊपर ले जा रहे थे, और ठेंग पकड़ लिया। अब एक हाथ पकड़ रहे, एक ठेंग, दोनों दोनों तरफ में खींच रहे, कोई छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। इतने में उसको घर में के चोर चोरी करने आया था, उसने देखा भैया घर में दो बीबी हो तो देखो घर में कैसे नाटक चलती है, हैं? इतने में देखा घर में चोर घुसा हुआ, अभी चोर को पकड़ करके ले गए पुलिस को पास में। पुलिस बोला भैया इसको क्या सजा दे, वो चोर कहता है सब सजा लेने के लिए तैयार ही हूँ, मेरे घर में जैसे दो बीबी कभी नहीं हो, घर में दो पत्नी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कृष्ण कितने पत्नियों के साथ में रहते थे, रासलीला करते थे, 100 करोड़ों गोपी, हर गोपियां देख रही थी कृष्ण मेरे पास में, कृष्ण मेरे पास में। एक दिन श्री नारद भी चक्कर में पड़ गए, बोले भैया घर में एक पत्नी को संभालना कठिन, अगर दो पत्नी हो जाए तो घर में महाभारत होती है, कृष्ण द्वारका में 16108 पटरानियों को कैसे ठाकुर जी संभालते हैं। एक दिन नारद जी द्वारका में पहुंचे, अभी ठाकुर जी वहां पर 16108 पटरानियां, सभी के लिए अलग अलग महल है, एक महल में नहीं अलग अलग महल है। जब ठाकुर जी रुक्मिणी को घर में गए ना, देखा रुक्मिणी, कृष्ण रुक्मिणी को साथ में बैठ कर पासा खेल रहे थे, और कृष्ण को उन्होंने स्वागत की, चरण धोए, ठाकुर जी को नारद जी को अभ्यर्थना करके जब वहां से विदाई लेकर के सत्यभामा को घर में पहुंचे, देखा ठाकुर जी वहां पर यज्ञ कर रहे, और यहीं से वहां तक गए। इतने में ठाकुर जी कहते नारद जी अब तो बड़े दिनों में आए हो, बीच बीच में कभी कभी आ जाया करो। बोले अभी तो ठाकुर जी विदाई दिया, ठाकुर कहते नए आए। फिर जब उन्होंने मित्र बिंदा को घर में गए, देखा ठाकुर जी को बच्चों को पढ़ाते हुए, जब नारद जी अलग 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 घर में गए, ठाकुर जी की अलग अलग लीला करते हुए मिले, और ठाकुर जी हर घर में स्वागत कर रहे थे,
बोल रहे थे आप तो बड़े दिनों में आए। नारद तो चक्कर में पड़ गए, क्यों? कृष्ण ही ऐसे के देवता है जो सबकी मन को भर सकता है, सबकी इच्छाओं को कृष्ण ही पूरी कर सकते हैं। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी जब ये रास को प्रारंभ कर रहे हैं, कहते भैया ये जो रास रचया है ना, ये कोई जीव रास नहीं कर रहे हैं, ये ठाकुर जी भगवान रास कर रहे हैं। बोले भगवान का मतलब क्या है? बोले भाग मतलब होता है ऐश्वर्य, बान मतलब सारे ऐश्वर्य का जो मालिक, जैसे धनबान है, धनबान जैसे बलबान है हम कहते ना, उसी तरह भगवान मतलब होता है समस्त जीव का जो ईश्वर मालिक है, दुनिया का जो मालिक। भगवान के अंदर में छह ऐश्वर्य रहता है, जिसको अंदर में ये परिपूर्ण रूप में छह ऐश्वर्य हो वही भगवान हो सकते हैं। बोले छह ऐश्वर्य क्या है? बोले समग्र सस्य ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य जसस्य श्रीय ज्ञान वैराग्यश्चैव शरणांग इति भवंगना। कदि ये छह ऐश्वर्य जिसको पास में वही भगवान है। इसलिए भगवान जिस समय भगवान बंसी बट को नीचे आए, कहते भगवान अपि तारात्री, जब भगवान ने किसको आश्रय करते हुए उन्होंने रास रचाई, बोले श्री राधा रानी को, जोग माया मतलब जीव को जो भगवान को साथ में जोड़ दे। भगवान ने श्री राधा रानी को आश्रय करते हुए भगवान जब बंसी बट को नीचे जगह कलव बाम दिशा में न हो रहा, जब भगवान ने बंसी ध्वनि की, लेकिन ठाकुर तो बंसी बजा रहे थे लेकिन राधा रानी सुन रही थी, ये बंसुरी से केवल राधे 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 राधे, राधा रानी का नाम। ललिता सुन रही थी बंसुरी से केवल ललिता ललिता नाम निकल रहा है। विशाखा सुन रही थी केवल बंसी ध्वनि से विशाखा विशाखा नाम निकल रहा है। अभी कृष्ण ने जब बंसी ध्वनि की, अभी ये बंसी ध्वनि गई, कहती जो बंसी ध्वनि ये दो तरह का है, कहते एक सर्वभूत मनोहर और एक गोपी भूत मनोहर है। कृष्ण कभी कभी ऐसे बंसी ध्वनि करते थे जो बंसी ध्वनि को सबके सब सुन सकते हैं, लेकिन कभी कृष्ण ऐसे बंसी ध्वनि करते थे जो बंसी ध्वनि को केवल गोपियां ही सुन सकती है। इसलिए कृष्ण आज जो बंसी ध्वनि की, कहते ये गोपी भूत मनोहर है, ये सर्वभूत मनोहर नहीं तो सबके सब सबके सब ब्रजवासी उमड़ पड़ते वहां पर। यहाँ पर एक उदाहरण देकर समझाए, आप देखना जो चोर का सरदार होता है वो चोरी करने नहीं जाता है, वो अपना चेले चापटियों को भेज देता है, चोरी करके ले आओ और माल मुझको दो। इसलिए सबसे बड़े चोर कौन है? कहते भगवान कृष्ण ही ये सबसे बड़े चोर है। बोले चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि, ये दिल को चुराने वाले, पाप को चोरी करने वाले, मन को चोरी करने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। इन्होंने बंसी ध्वनि की मतलब है इन्होंने ये बंसी ध्वनि रूपी चोर को भेजा। बोले कहाँ? बोले जाओ धन को पकड़ के, धन को लूट करके लाओ। बोले धन क्या है? कौन सा धन? बोले प्रेम धन। बोले ये धन कहाँ रहता है? बोले भक्तों का हृदय में रहता है, और सबसे बड़े भक्त ये ब्रज की गोपियां हैं। इसलिए मानो कृष्ण ने बंसी ध्वनि की, ध्वनि करने पर क्या हुआ, ये बंसी ध्वनि रूपी चोर गए चोरी करने के लिए, लेकिन मौका की बात है, देखा घर कपाट खुला हुआ है। बोले कौन सा कपाट? बोले गोपियों की कान रूपी जो कपाट खुला हुआ, इतने में बंसी ध्वनि इनके हृदय में प्रवेश करते हुए गोपियों की मन प्राण चित्त को उन्होंने चोरी करके ले आए। ला कर किसको दिया? बोले कृष्ण को दिया। अगर आपका घर में कोई चोर आए, आप जिंदगी का जो इनकम किया है वो सारे संपत्ति को लेकर के भागे, फिर आप क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? उसको पीछे पीछे भागोगे ना? भैया जिंदगी का सारे संपत्ति हमारी चोरी हो गई, उसको पीछे भागोगे? इतने में ब्रज गोपियां उसी समय कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई एक आंख में काजल पहनी दूसरे आंख में काजल पहनने जा रही थी, इतने में कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनी तो वहीं से ही चल पड़ी। कोई आधा कपड़ा पहनी हुई थी, कोई पति को भोजन करा रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, लेकिन जिस समय उन्होंने बंसी ध्वनि सुनी उसी अवस्था में ही ब्रज गोपियों ने भागे।
लेकिन कुछ गोपियां तो निकल करके आ गई लेकिन कुछ नहीं आ पाई। बोले कौन आई कौन नहीं आ पाई, बस जिनकी भाव सिद्धि हो गई थी और जिनको पति को साथ में कोई संबंध नहीं था उन लोग ने आ गए और उनको जोग माया ने मदद की। लेकिन जिनकी पति को साथ में शरीर का संबंध था कहते तो जो शरीर ये अपवित्र हो गया, ये शरीर को ठाकुर जी ये रास रूपी जो महोत्सव में वो प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इसलिए जोग माया ने उनको वहीं पर रोक दिए। जब रोक दिए इतने में उन लोगों का हृदय में विरह आई, बोले हे श्याम सुंदर हे कृष्ण कन्या आज तुम्हारी रास रूपी महोत्सव में आप भाग नहीं ले सके, ठाकुर जी हमको कृपा करो। लेकिन उन्होंने शरीर को छोड़ करके वो आत्मा शरीर से ही कृष्ण के पास में आ गए। जब आ गए भगवान कहते स्वागत मे महाभागा, भगवान उनको स्वागत करते हैं, तुम लोग बड़े जगत में सौभाग्यवती क्योंकि तुम लोग ने सब कुछ छोड़ करके मेरे सरने में आए हो। कृष्ण ने कहा अच्छी बात है तुम लोग आए हो, ये वृंदावन की तुम शोभाओं को दर्शन करो और शोभाओं को दर्शन करते हुए जाओ, तुम लोग घर में चले जाओ क्योंकि तुम लोग पतिव्रता नारी हो। पतिव्रता नारी क्या करते हैं, भले ही पति लंगड़े लूढ़े निकम्मा कुछ भी क्यों नहीं हो, पतिव्रता धर्म का कर्तव्य है, पति ही पत्नी के लिए परमात्मा है। जाओ पति की तुम लोग ने सेवा करो। देखो ठाकुर जी यहाँ ये शिक्षा देते हैं जो पतिव्रता नारी के लिए पति ही इनकी सब कुछ पति है। और ठाकुर जी कहते देखो ये घोर रूपा महारूपी ये जो अंधकार रात में पतिव्रता स्त्रियों को घर से नहीं निकलनी चाहिए, ठाकुर ये भी शिक्षा देते हैं। लेकिन देखो एक चीज समझो, पहले ना सबके सब स्त्रियां पतिव्रता हुआ करती थी, पति को छोड़ करके और किसको नहीं जानती थी। लेकिन ऐसे घोर कलयुग आ रहे ना, पहले एक असत्य मिलना बड़ा कठिन होता था लेकिन कलयुग में एक सत्य मिलना बड़ा कठिन हो जाएगा, बड़ा कठिन हो जाएगा। क्यों, कारण क्या, बोले कारण है पहले क्या होता था, लड़कियों को घर से अगर थोड़ी बहुत लिखी पढ़ी जान गई ना, थोड़ी सी लिखी पढ़ी हो गई बोलते थे घर में रह जाओ, घर का ही तुम घर घर को ही तुम संभालो हैं। और पति क्या करता, बाहर जाता था सारे काम धाम को बाहर पति देखता था, स्त्रियां क्या करती थी पत्नी घर का सारे काम काज को पत्नी देखती थी, इसलिए घर में झगड़ा नहीं होता था और पति पत्नी जिंदगी भर सुख में इनकी जीवन चल जाती थी। लेकिन अभी आप लोग तो गांव में अच्छी बात है लेकिन शहर में तो बहुत गड़बड़ी है, 30-40% अभी भारत में डाइवोर्स हो रहा है। ये हमारी उसी ऑफिस में काम करते थे हमारी प्रभु जी, ये रोज रोज कहते थे 40-50 लाइन लगे रहते थे, 40-50 डाइवोर्स के लिए लाइन लग रहे थे हैं। इसलिए यहाँ कृष्ण शिक्षा देते हैं स्त्रियों को, पहले नियम का क्या, रामायण में क्या शिक्षा दिया है, वो धोबिन जब आ रही थी अपना पियर से, एक रात कहीं रुक जाना पड़ा किसी कारण से, लेकिन धोबी ने क्या बोली, हम तेरे को जहां रात रुकी वहीं पर जीवन बिताओ, वहीं पर जाकर जीवन बिताओ। भगवान राम ने ये आदर्श क्यों रख कर गए, इसलिए भगवान राम ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम होने का नाते जगत के लिए उन्होंने मर्यादा को उन्होंने रख करके गए हैं। इसलिए कृष्ण भी शिक्षा देते हैं माताओं को स्त्रियों को, कहते जो स्त्रियां है ना हर समय, शास्त्र में एक श्लोक आया है बचपन में पिता माता के अधीन रहती है और जो बड़ी हो जाती है पति के अधीन में रहती है और जो बड़े बूढ़ी हो जाती बच्चे को अधीन में रहते हैं। इसलिए स्त्री जातियों को उदाहरण दिया है, जैसे आटा है ना, आटा को गोंद करके अगर छत को पर रख दोगे ना कौआ खा जाएगा, अगर आटा को गोंद कर घर में रखोगे तो चूहा खा जाएगा। इसलिए ये स्त्री जाति को ऐसे बताया हर समय ये लता स्वरूपिणी है, हर समय किसकी आश्रय में ही रहनी चाहिए। इसलिए भगवान कृष्णा ये सब शिक्षाओं के लिए ठाकुर जी कहते हैं ये घोर अंधकार रात में ये पतिव्रता स्त्रियों का कर्तव्य नहीं घर छोड़कर कहीं जाए, इसलिए घर में वापस चले जाओ, जाकर के अपना पति को ही सेवा करो। ठाकुर जी एक स्वरूप में ये शिक्षा देते हैं, हैं? इतने में जब उन्हें कृष्णा बोले देखो तुमको एक स्टोरी सुनाता हूं, ध्यान देकर सुनो।
जो जीवन में पतिव्रता धर्म को जाजन करती हैं, उसकी पतिव्रता धर्म में कितने शक्ति है। बोले एक समय कोई एक पतिव्रता स्त्री की गोद में पति सर रख करके सो रहे थे। घर में छोटा बच्चा था, जो बच्चा केवल घुटन पर चलना सिखा है अभी तक। अभी अभी थोड़ी देरी पहले पहले चूल्हे में रोटी बनती थी, अभी अभी थोड़ी देरी पहले माता जी चूल्हे में रोटी बनाई थी, अभी चूल्हे का जो आग धधक रही है। इतने में जो छोटा बच्चा सो रहा था, छोटा बच्चा की नींद खुल गई। जब नींद खुल गई, उसने घुटन पर चलते चलते जो चूल्हा था ना, चूल्हे के पास में चला गया। अभी तो पति का हृदय में खिलबिल मच गई, क्यों, बच्चा अभी चूल्हे में गिरने जा रहा है। अभी पत्नी क्या सोच रही है, पति मेरे जंघे के ऊपर सर रखकर सो रहे हैं। अगर मैंने पति को अगर जगा दिया, मैं पतिव्रता नारी हूं, फिर मेरी पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। अब दुविधा में पड़ी गई, अभी मुझे क्या करनी चाहिए, पति को जगानी चाहिए ना बच्चे को जाकर के रक्षा करनी चाहिए। वो सोच रही है, मैं पतिव्रता स्त्री हूं, मेरा पहला कर्तव्य पति की सेवा करना। इसलिए भले ही बच्चा चूल्हे में गिर जाए, लेकिन पति को नींद में खराब नहीं करूंगी, मेरी पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगी। और देखते देखते वो बच्चा गया और सीधा चूल्हे में गिर पड़ा। अभी तो इसके हृदय में खिलबिल मच गई, बच्चा चूल्हे में गिर गया। थोड़ी देरी बाद में नींद खुली, किसकी, पति का। बोले लाला कहाँ है, बोले लाला तो चूल्हे में गिर पड़ा। बोले तुमने रखा नहीं की, बोले आप मेरे जंघे के ऊपर सर रख करके सो रहे थे, आपको जगाती तो मेरी पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता। बोले चलो चलो हम देखते हैं क्या हो रहा है। जब उन्होंने जा करके देखा, इसकी पतिव्रता धर्म की इतने निष्ठा थी, इसकी पतिव्रता को सामने जो चूल्हे में आग जल रही थी ना, वो आग ठंडा हो गई थी। वो बच्चा किलकार मारते हुए खेल रहा था। इतने में वहां से बच्चे को उन्होंने उठा करके ले आए। कृष्ण ने कहा, देखा एक पतिव्रता स्त्री के धर्म में कितने शक्ति तुमने देखी है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की ये। इतने में गोपियों ने बोले, बोले कन्हैया हम भी तुमको एक स्टोरी सुनाएंगे। बोले सुना, क्या सुनाना चाहते हो। बोले एक समय पति पत्नी दोनों आनंद में रह रहे थे, पति को किसी काम के लिए कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। इतने में पति पत्नी को बोला, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। बोले आप बाहर जाओगे तो मैं रसोई क्यों बनाती हूँ, तुम्हारे लिए तो रसोई बनाती हूँ। ये श्रृंगार क्यों करती हूँ, तुम्हारे लिए तो श्रृंगार करती हूँ। ये बिस्तरा क्यों सजाती हूँ, तुम्हारे लिए तो। घर में झाड़ू बुहारी क्यों लगाती हूँ, तुम्हारे लिए तो सब कुछ करती हूँ। अगर तुम चले जाओगे तो मैं किसके लिए करूँगी। बोले देखो मेरे को किसी काम के लिए जरूरी जाना है। बोले जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ, तब तक मेरी ये फटक तो पूजा करते रहना। अभी पति जब चले गए, इतने में पत्नी सारे श्रृंगार को उतार दी, उतार करके घर में रसोई नहीं बनाती हैं, किसी तरह से थोड़ी बहुत भोजन करती हैं, और जो फटो देकर गया उसको ही वो पूजा करती हैं। पूजा करते समय अभी पति बाहर से आया, दरवाजा खटखटाया। बोले पत्नी दरवाजा खोल दो। गोपियों ने बोले बताओ वो दरवाजा खोलेगे कि नहीं। बोले भैया जब असली पति आ गया, फिर फटो क्यों पूजा करते हो। बोले आंसर मिल गया, क्योंकि आप ही गीता में कहते हो, क्या कहते हो, पिता अहमस्य जगत धाता माता पिता मा। आप ही कहते ना प्रभु, जगत का पिता माता भाई बंधु मैं हूं। आप ही तो कहते ना जगतपति जगन्नाथ तुम ही हो। और तुमने हमें बंसुरी बजाई, बला करके हमारे मन प्राण को तुमने चोरी की, चोरी करके तुमने हमें यहाँ बुलाए। अब बुला करके जब आ गए, बोले तुम घर वापस चले जाओ। अभी तुमने जो इतने सुंदर सुंदर हमें जो उपदेश दिए हो, जो उपदेश देते हैं वो गुरु है। और शास्त्र क्या कहता है, बोले प्रथमंतो गुरुम पूज्यम ततश्चैव ममार्चनम कुर्वन् सिद्धिमाप्नोति यन्नथा निष्फलम भवे। कहते अगर गुरु गोविंद अगर दो खड़े हैं, काक लाग पाओ। बोले बलि हरि श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बताए। इसलिए अभी आपको हमने इतने सुंदर सुंदर ज्ञान की बात बताई, इसलिए आप हो गए हमारी गुरु। तो नियम तो पहले गुरु जी की पूजा करनी चाहिए ना, इसलिए पहले आपको तो हम पूजा करेंगे। जब गोपियों ने बढ़िया बढ़िया आंसर दिया ना, भगवान दीजिए, भगवान संतुष्ट हो गए। भगवान संतुष्ट होकर के फिर ब्रज गोपियों को साथ में प्रभु ने रास की,
जो एक आंख में काजल पहन करके आई थी, ठाकुर जी उसको दूसरे आंख में पहना दिया, जो गले की हार को कमर में, कमर का करधनी को गले में पहनी थी, ठाकुर जी ठीक से उनका श्रृंगार कर दी, जो आधा साड़ी पहन करके आई थी ठाकुर जी पूरे साड़ी पहना दिया ठाकुर को। ठाकुर जी यहाँ सिखा देते हैं, अगर हमें सुंदर रूप में कोई श्रृंगार कर सकता है ना, ये ठाकुर जी हमारी श्रृंगार कर सकते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। ठाकुर जी गोपियों की इतने चापुरास कर रहे थे, कृष्ण कभी बोलते थे क्या थोड़ी सी चरण दबा दे, अगर पसीना निकलते तो ठाकुर जी पसीना को पोंछ लेते थे। जब ठाकुर जी इतने उनकी बड़ाई, इतने सेवा कर रहे थे, इतने में गोपियों के अंदर में सौभाग्य मत प्रकट हुआ। मतलब क्या है, गोपियां सोच रही हैं कृष्ण हमें जितने प्रेम करते हैं उतना प्रेम कृष्ण और किसी को नहीं करते हैं, लेकिन गोपियां क्या देख रही थी, कृष्ण केवल हमारे साथ में, लेकिन कृष्ण दूसरे गोपियों के साथ में ये नहीं दिख रही थी, लेकिन राधा रानी दिख रही थी, देख रही थी कृष्ण मेरे साथ में भी है और कृष्ण सब गोपियों के साथ में भी कृष्ण है। अभी गोपियों के अंदर में सौभाग्य मत आ गया। बोले सौभाग्य मत मतलब क्या है, कह रहे थे पृथ्वी में अगर सबसे कोई भाग्यशाली ना हम ही है, हमारी जैसे कोई जगत में भाग्यशाली नहीं। अभी इनके अंदर में ये अभिमान हो गया है, राधा रानी के बगैर हम पूर्ण, राधा रानी की कोई जरूरत नहीं। देखो स्त्रियों में एक दोष है, क्या दोष जानते हो, अगर कोई पति अगर किसी स्त्री को बहुत ज्यादा प्रेम करे ना, फिर क्या होता है, वो पत्नी फिर पति के सर पर चढ़ बैठती, कहते हमारी बगैर इनकी चलेगी नहीं। इतने में कृष्ण ने देखा इनके अंदर में अभिमान आ गया है, राधा रानी को नेग्लेक्ट कर रही, इतने में कृष्ण रास से कृष्ण तत्रैव कृष्ण अंतर्ध्यते, कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं। अंतर ध्यान होकर के कृष्ण थोड़ी दूर गए, एक कुंज में कृष्ण श्यामा सखी का रूप धारण करते हुए बोले एक काम करो, हम जोड़ी जोड़ी होकर दो दो होकर के कृष्ण को ढूंढने चलते हैं। इतने में कृष्ण उन्होंने क्या किया, राधा रानी को पकड़ लिए, पकड़ करके उन्होंने राधा रानी को अकेले, उन्होंने राधा रानी को लेकर के चले गए, कुंज में श्रृंगार की। इतने में गोपियां हा कृष्ण बोल करके इतने प्रेम में विभोर हो गई, कृष्ण लीला की अनुकरणता कर रही थी, लता पताओं को पूछ रही थी कहीं हमारी श्याम सुंदर को देखे हो, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहे थे। बोले हे पृथ्वी तुम तो सर्वत्र विद्यमान, तू तो जानती होगी श्याम सुंदर कहाँ गए। जब पृथ्वी को देखा ना, कृष्ण का चरण चिन्ह देखा, अभी कृष्ण को पहचान ही गए, क्यों, कृष्ण की चरण को सबके सब गोपियां पूजा करती हैं। बोले ये तो कृष्ण का चरण चिन्ह है, लेकिन जब थोड़ी दूर गए दोनों को बीच में एक सुंदरी एक छोटी प्यारी चरण चिन्ह थी। बोले वो किसका चरण चिन्ह, बोले श्री राधा रानी का चरण चिन्ह। इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर इतने प्रसन्न हो गए, बोले भले ही कोई अपने आप को कृष्ण के सबसे प्यारी समझे, लेकिन देखो देखो तो सही कृष्ण सबको छोड़ करके किसको लेकर गए, बोले हमारी श्री राधा रानी को लेकर गए। बोले श्रीमती राधा रानी की, और जोर से बोलो कोई जय कोई हे बोलता, राधा रानी को जो जितने जोर से जय देगा ना उतना ही जय होगा, जोर से बोलो। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृषभानुराज नंदिनी की जय, जय श्री राधा। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए देखा वो चरण चिन्ह भी नहीं, इतने में एक गोपी कहती है भैया ये चरण चिन्ह कहाँ गई। दूसरे गोपी कहती ये तो हृदय को और भी ज्यादा व्यथा देने वाली। बोले क्यों, बोले कृष्ण का चरण देखो ज्यादा दबा हुआ। बोले मतलब क्या, बोले वो कृष्ण वो गोपी को अपना गोद में उठा कर लेकर गए। ऐसे करते करते कृष्ण राधा रानी को श्रृंगार कर रही थी, इतने में कृष्ण बोले हे राधे अगर ये गोपियां तुम्हें देख लेगी ना, मैं तुम्हें अकेले लेकर के आई हूँ, सबके सब मान कर बैठेंगी, पर ये महारास नहीं होगी, चलो जल्दी जल्दी हम यहाँ से चल पड़ते हैं। राधा रानी बोले नहीं चल सकती हूँ, अब जैसे उठा करके ले आए थे वैसे ही हम यहाँ से ले चलो। बोले राधा रानी मान क्यों की, कारण है बोले मैंने जो काम कर रहा हूँ अच्छा नहीं किया, क्योंकि राधा रानी और कोई नहीं, मेरी कायब भी है, मेरी प्रकाश है, मैंने जैसे सब कुछ छोड़ करके कृष्ण के लिए दीवानी बनी, ये भी तो सब कुछ छोड़ करके कृष्ण के लिए दीवानी बनी,
मैं अकेले कृष्ण को लेकर के आनंद ले रही हूँ और ये सबके सब विरह में रो रही हैं। अगर मैं थोड़ी सी टेढ़ी बन जाऊं ना, फिर गोपियां आकर के मिले तो क्या होगा, फिर सबके सब हम महाराज करेंगे। इतने में राधा रानी बोले, जैसे उठा करके लाए थे वही से ले चलो। बोले क्या मेरे कंधे में बैठे? बोले बंधाओ, बैठाओ। जब बैठने के लिए गई कोई कृष्ण, वहीं से अंतर ध्यान हो गई। वहीं पर राधा रानी हाँ नाथ प्रेयसी करते 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 वहीं पर राधा रानी बेहोश हो जाती हैं। गोपियां आकर के राधा रानी की बेहोश को होश दिलाते हैं। बोले हे राधे, कृष्ण तुम्हें भी छोड़ करके चले गए? बोले हाँ। बोले देखो, कृष्ण को उसको भजन बहुत प्यारा है, चलो हम जमुना किनारा में जाकर के उनकी कीर्तन करेंगे। क्यों? कृष्ण खुद कहते हैं, मत भक्ता जत्र गायती तत्प्रतिष्ठा में नारद। हे नारद, मैं जोगियों का हृदय में नहीं, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, जहां पर मेरे भक्त लोग मेरे भजन करते हैं मैं वहीं पर रहता हूँ। चलो भगवान कृष्ण की यमुना किनारा में भजन करेंगे। बोले यमुना किनारा में क्यों गए? बोले खाली स्थान में अगर कीर्तन करेंगे तो कीर्तन का आवाज बहुत दूर तक जाएगी, अंदर में करेंगे तो आवाज दूर नहीं जाएगी, ये कारण है। दूसरा कारण, ये यमुना है, ये अनुराधा, ये कृष्ण की प्रेयसी है, ये विशा का सखी है। जब तक इनकी कृपा नहीं हो ना, तब तक कृष्ण नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए सबके सब बैठ करके जो गाए उसका नाम गोपी गीत है। ये गोपी गीत को हमारी गोस्वामियों ने इतने सुंदर व्याख्या की, अन्य और व्यतिरेक रूप में, एक तरफ में प्रशंसा और एक तरफ पे उनकी ताना मारते हुए दो दो तरह का अर्थ बताए। बड़े सुंदर ये गोपी गीत है। अगर ये गोपी गीत को घर में कोई गाए ना, ठाकुर जी जरूर उनके घर में आते हैं। इसलिए आप लोग कोशिश करना अपना घर में रोज रोज गोपी गीत को गाने के लिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय
गोपी गीत को गाई, कृष्ण मनमथ के मनमथ रूप लेकर बीच में प्रकट हुए। प्रकट होते ही कुछ गोपियां तो चरण पकड़ ली, कुछ गोपियां तो तांबुल मांग रही थी, कुछ गोपियां जल बहनिया दे रही थी, लेकिन कुछ गोपियां पास में फटक नहीं रही थी, दूर से देख रही थी। और एक गोपी तो एका भ्रुकुटि महाबाध्य प्रेम समृत वाला, एक गोपी तो बड़ी टेढ़ी नजर से भौं को ताना तान करके कृष्ण को देख रही थी, लेकिन कृष्ण का जो नजर है ना किसको प्रति नहीं, वो जो अकेली गोपी टेढ़ी नजर से देख रही थी उसको तरफ में देख रही थी। लेकिन भागवत में इसका नाम कहीं नहीं बताई गई, लेकिन हमारी गोस्वामियों ने सनातन गोस्वामी सब बात बता दी। बोले जो उनको गलबहनिया दे रही थी, चरण पकड़ रही थी, ये चंद्रावली की दल है, ये विपक्ष दल है। जो दूर से खड़ी होकर देख रही थी ये तटस्थ है, ये ललिता विशाखादि सखी लोग है। लेकिन जो अकेली दूर से खड़ी होकर के देख रही थी और कृष्ण केवल अपने देख रहे थे, वो श्री श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। बोले श्री वृषभानुराज नंदिनी की जय। इतने में गोपियों ने अपना चुंदरी को उतार करके आसन दे करके कृष्ण को बैठाए और उनने प्रश्न किया। बोले कृष्ण तीन तरह के लोग होते हैं, एक तरह के लोग होते हैं जो भजन करने पर भजन करते हैं, दूसरे तरह के लोग होते हैं करे नहीं करे तभी करते हैं, तीसरे तरह से लोग होते हैं करे नहीं करे जिसका किसको साथ में कोई मतलब नहीं। बताओ तीनों में तुम कौन हो? ये कृष्ण को फंसाना चाह रही थी। बोले जो भजन करने पर भजन करते हैं, कहते ये बढ़िया, जैसे 100 रुपया लेकर दुकान में जाओ, 100 रुपया का माल देगा, फिर कोई संबंध नहीं। दूसरे तरह के व्यक्ति होते हैं पिता माता, भले ही बच्चा जितने नालायक क्यों नहीं हो जाए, जितने दुष्ट क्यों नहीं हो जाए, लेकिन पिता माता के हृदय में जो भावना है ये मेरे बच्चा है, भले ही कुछ करे नहीं करे तभी पिता माता बच्चे को स्नेह करते हैं। इसलिए हम कभी भी पिता माता के ऋणी से कभी ऋणी नहीं बन सकते हैं। ऐसे नहीं घर में एक बहू आ गई जो माता ने तुमको 9 महीना तक गर्भ में धारण की, जिस पिता माता ने तुमको लालन पालन की, एक रात में आकर के एक मंत्र दे दूसरे दिन बेटा का बुद्धि हरा, ऐसे नहीं होनी चाहिए। हर समय पिता माता के ऋणी से कभी हम चूक नहीं सकते हैं, इसलिए हर समय पिता माता की हमें सेवा करनी चाहिए, सास ससुर की हमें सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हम जैसे अपना सास ससुर की सेवा करेंगे हमारा बच्चे भी तो देखेंगे वही चीज को, वो भी तो हमें हमारी ऐसे सेवा करेंगे। अगर हम खुद अगर सास ससुर की सेवा नहीं करें, फिर हमारी तुम्हारी जो बहू होगी तुमको भी ऐसे ऐसे व्यवहार करेगी। इसलिए हर समय हमें कहते हैं भैया जो कुछ करने पर भी पिता माता के ऋणी से कभी कोई ऋणी नहीं बन सकते हैं, ये पिता माता है, हैं? जो तीसरा तरह का वो चार तरह के है, आत्मा राम आप्तकाम गुरु द्रोही और अकृतज्ञ। बोले कृष्ण तू तो आत्मा राम आप्तकाम हो ही नहीं सकते हो, हमारी बगैर तुम्हारे चलता नहीं, लगता है तू तो गुरु द्रोही अकृतज्ञ हो, क्योंकि तुम्हारी प्रेम को गुरु राधा रानी कहाँ तुमने बंसी बजा करके हमको बीच रात में बुलाए, हम सब कुछ छोड़ करके तेरे शरण में आए और हमको बीच रात में छोड़ कर चले गए। इतने में कृष्ण ने कहा गोपियां मेरे को ऐसे मत समझो, प्रेम की दो पहलू है, एक है मिलन और एक है विरह। मिलन से क्या होता है, वो सामने मिलते हैं लेकिन अंदर से खोते हैं, लेकिन विरह से क्या होता है, जैसे पति अगर दूर देश में हो, 10 साल में 5 साल में कहीं आए, पत्नी हर समय चिंता करती रहती है कब आएंगे, अभी नहीं आए, उनका एक पत्र तक भी नहीं आई, दिन रात वो चिंतन करती है, केवल जगत में तुम्हारी विरह को दिखाने के लिए, तुम्हारी प्रेम की आदर्शता को दिखाने के लिए मैंने छोड़ा, तब तो मैं कहीं नहीं गया, मैं तुम्हारी बीच में बैठी करके तुम्हारी जो उक्ति है, तुम जो टेढ़ी टेढ़ी वजन से वाक्य से मेरे को वचन बोल रहे थे मैं सुन रहा था। इतने में गोपियां खुश हो गई, भगवान महाराज रचाए, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, जहां पर स्वयं शंकर भी क्या बन करके गोपीश्वर महादेव बन करके शंकर भी रास दर्शन करने के लिए आते हैं। जब शंकर जी आए, इतने में जोग माया के आदेश के बगैर कोई प्रवेश नहीं कर सकते, जोग माया बोले रासलीला में तो अकेले कृष्ण सब स्त्री हैं, वहां पर तो दूसरे स्त्री के प्रवेश नहीं,
तब उन्होंने ब्रह्म कुंड में स्नान करा के उनको ईशान कोने में बैठा दिया, बोले यही सही रास दर्शन करो। लेकिन कृष्ण बोले आज रास में कहीं आनंद नहीं आ रहा है, लग रहा है कोई अनधिकारी व्यक्ति आ गया। गोपियों ने ढूंढते 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 देखा ईशान कोने में कोई एक नई गोपी बैठी हुई। इतने में बोले तुम्हारी जेठ का नाम क्या है, कौन सा गांव में तुम्हारी जन्म हुआ, तुम्हारे पति का नाम क्या है, तुम्हारी सास के नाम क्या, ससुर का नाम क्या, वो तो गोपी नहीं वो गोप है। अभी शंकर देव चुप, कुछ बोल नहीं सके, समझ गए यही अनधिकारी। शंकर जी को पकड़ कर खींच निकाले वहां से और उनको गुलचा मारने जा रहे थे। इतने शंकर जी उन्होंने जोग माया को बुलाई, जोग माया आ गई। इतने में कृष्ण आ गए, बोले भोले ये क्या है, बोले प्रभु आपने बंसी बजाई तो ये बंसी ध्वनि कैलाश में भी पहुंचा, मैं भी आपको रास दर्शन करने के लिए गोपी बन करके आया। बोले भोले आप ऊपर में तो गोपी बन गए, लेकिन जब तक गोपी भाव नहीं होगा तब तक रास में प्रवेश नहीं। देखो ये रास की कितने महत्व है, स्वयं शंकर भी गोपी बन करके आते हैं। इसलिए जो रास लीला है ना ये कोई काम क्रीड़ा नहीं है, है? ये कोई लड़का लड़की का कोई नृत्य नहीं है, जहां पर स्वयं परात पर परम ब्रह्म भगवान कृष्ण, ये गोपियां कोई लड़की नहीं, ये पूर्व पूर्व जन्म में करोड़ों करोड़ों तपस्या इन लोगों ने किया है। कृष्ण भगवान राम जब दंडकारण्य में गए थे ये सब के सब ऋषि लोग गोपाल मंत्र में उपासना कर रहे थे। अभी राम को देख करके श्याम की याद आई, बोले हमें पति रूप में ग्रहण करो। राम बोले नहीं, ये अवतार में एक सीता के सिवाय मैं किसी को ग्रहण नहीं कर सकता हूं। आओ तुम गोपी बन करके आओ। वेद का के जो मंत्र थे ऋचाएं ये भी कठोर आराधना की गोपी रूप में पाने के लिए, बोले तुम गोपी बन करके आओ। जब भगवान गए थे जनकपुरी में जो वहां पर जो किशोरिया थी वो भी प्रभु का पति रूप में प्रार्थना की, बोले तुम सब गोपी बन करके आओ। स्वर्ग में जो देवियां थी इन लोगों ने भी गोपी रूप में प्रार्थना की, वो लोग भी गोपी बन करके आए। इसलिए ये जो गोपियां ये बड़े बड़े साधक इन लोगों ने गोपी मूर्ति धारण करते हुए प्रभु की रास में सम्मिलित हुए। ये कोई काम क्रीड़ा नहीं, ये प्रभु की दिव्य लीला। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्रद्धा नित्यम अनुसृणात। ये जो रास लीला को अगर किसी शुद्ध सांधु को अनुगत्य में कोई अगर श्रवण करे तो उसके हृदय से काम रोग अपहनति, उसके हृदय से समस्त काम रोग काम की विकार नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये ठाकुर की ये दिव्य लीला है। बोले श्री वृंदावन बिहारी जय जय श्री राधे। इसलिए अभी भी कृष्ण शंकर जी को बोले आप यहीं पर गोपीश्वरी शिव रूप में आपको पूजा मिलेगा। जो कोई ब्रज में प्रवेश करना चाहते हैं जब तक आपकी आदेश नहीं हो तब तक ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकते। अभी भी अगर कभी आप वृंदावन जाओगे दिन में तो शिवलिंग के दर्शन है, शाम को शंकर जी को गोपी रूप में सजाया जाता है। शंकर जी रोज गोपी मूर्ति को शंकर जी धारण करते हैं। बोले श्री गोपेश्वर महादेव की जय। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज आ गए है, वृंदावन आ गए है। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज आए, वृंदावन आ गए है, वृंदावन आ गए है। पार्वती के पता तिहारे राम ने पुकारी, वृंदावन आ गए है, वृंदावन आ गए है।
राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जने राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जने Thank you.
एक कैसे दत्त था, कैसे दत्त ने कंस से बोले प्रभु मेरे को एक बार वृंदावन में एक मौका दिया जाए। बोले देख सब एक ही मौका लेकर गए तो भाई वापस अभी तक नहीं लाए आए, इसलिए मेरे को एक मौका कृष्ण को मारने का हमें सुजग दिया जाए। आप पहले ये बताओ कृष्ण देखने में कैसे। बोले मैंने भी सुना कृष्ण पीताम्बर धारण करते हैं, पर मयूर पंखे हैं कृष्ण के, और मीठी मीठी कन्या बंसुरी बजाते हैं। इतने में कृष्ण कैसी तीर्थ घाट में कृष्ण गैया चरा रहे थे। कृष्ण का एक सखा था जिसका नाम था मधुमंगल। थोड़ी देर पहले कृष्ण का मधुमंगल से लड़ाई हो गई। मधुमंगल ना कन्हैया जानते हो ये गोपियां तुमको ये लड्डू कचौड़ी मालपुआ क्यों खिलाते। बोले क्यों, बोले तेरे को थोड़ी खिलाते हैं, तेरे जो ये ड्रेस है ना ये ड्रेस का ही ये कमाल है। अगर तू ड्रेस अगर मेरे को दे दोगे फिर तो तेरे को कोई नहीं पूछेगा। बोले ठीक है तू ये ड्रेस को ले ले। अभी कृष्ण का जो ड्रेस था अभी मधुमंगल ने वो ड्रेस को पहन लिया। इतने में कैसी दैत्य हीन हीन करते करते एक घोड़े के रूप धारण करते हुए आ गया। आ करके देखा कृष्ण कहाँ पर, लेकिन अभी ये ड्रेस को बदला हुआ है। मधुमंगल का ड्रेस कृष्ण और कृष्ण का ड्रेस को मधुमंगल पहन रखा। कैसी दैत्य ने सोचा शायद यही होगा कृष्ण। इतने में दूर लती मारी, इतने जोर से मारे अभी तो उसकी हवा से ही लगा तो नहीं, उसकी हवा से ही मधुमंगल धड़ांग कर जा करके गिरा। बोले कन्हैया तेरे ड्रेस तो बड़ा खतरा है, मैं सोच रहा था तेरे ड्रेस पहनने पर लड्डू कचौड़ी मालपुआ मिलेगा, भैया जल्दी जल्दी तू अपना ड्रेस को ले ले। इतने में अपना ड्रेस को बदला दिया। अभी कैसी दैत्य सोच रहे हैं जिसने अघासुर बकासुर तृणावर्त को पछाड़ दिया वो हवा से गिर पड़ा कैसे है। इतने में कृष्ण को साथ में जब कैसी दैत्य युद्ध करने के लिए गया, कृष्ण युद्ध करते करते अपना हाथ को उसको मुंह से नहीं घुसार दी और अपना हाथ को लोहे को जैसे गर्म करते है इसे गर्म कर दिए। इतने में वहीं पर कैसी दैत्य ने अपना प्राण को त्याग दी। त्याग देने पर आकाश से देवता लोग ने बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इतने में नारद जी आए बोले प्रभु आप क्या कर रहे हो, आप ब्रज लीला में इतने डूब गए हो आप क्यों किस लिए आए ये चीज को भूल गए। प्रभु एक आध कोई दैत्य आ जाए आप उसको मार देते हो, प्रभु ऐसे काम नहीं चलेगा, थोक दर का काम करना शुरू करो हैं। अभी कंस पड़ा हुआ और चारों मुष्टि की सोल तसल और जरासंध कितने शिशुपाल दंत बकरा भी कितने दैत्यों को उद्धार करना, प्रभु ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आपकी आदेश हो आपके लिए मैं प्लेटफॉर्म बना दू। बोले बना दो। इतने में नारद जी कंस को पास में आए, कंस को बुलाया। बोले देख कंस ध्यान से सुन, तेरे को पता है ये कृष्ण बलराम कौन। बोले कौन। बोले आकाशवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, आकाशवाणी हुई थी ना देवकी की अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा, ये जो कृष्ण ये देवकी का बेटा। बोले कैसे। बोले वसुदेव महाराज तो बताया था जितने सारे बच्चे मैं तेरे को दे दूंगा, लेकिन तू रात को सोते रह गया और राता रात उन्होंने कृष्ण को लेकर के मथुरा में पहुंचा दिया। ये वसुदेव का लाला है, ये दाऊ भैया भी वसुदेव का लाला है। इतना सुन करके कंस को तो बड़ा क्रोध आया, उसने मयान से तलवार निकाला, अभी अभी मैं देवकी वसुदेव को मार डालूंगा। बोले जोश में अपना होश को मत खोया करो, जैसे तुम एक एक दैत्य को भेजते रहा और कंस मारते रहा अभी भी तेरे पास में किसी चीज की कमी नहीं। कृष्ण बलराम को धनुष यज्ञ की बहाना से बुलाओ और तेरे आठ आठ भाई और सब मिल करके यहीं पर उनको मार डालो। भैया गुरु के बगैर तो ज्ञान होता ही नहीं। बास नारद तो भड़का करके बहका करके चले गए। इतने में कंस ने अक्रूर जी को उन्होंने भेजा नंदगांव में कृष्ण बलराम को लाने के लिए। ये बात के जब सुने ब्रजवासी इतने दुखी हो गई, मैया इतने दुखी हुए, गोपियों को तो रात भर नींद नहीं आई, रोती रही, विधाता को गाली देने लग गई है। विधाता जैसे बच्चे लोग बचपन में देखना धूल का घर बनाते हैं फिर उसको तोड़ देते हैं,
अगर इसे तोड़ना था पर तुमने जोड़े क्यों कृष्ण को साथ में। विधाता को खूब गाली दिए, खूब रोए। सवेरे होते ही कृष्ण भी मथुरा में जाएंगे, नंद और श्री ग्वाल बाल को साथ में। इतने में मैया जशोदा बोले, लाला देखो बेटा भले ही जितने बड़े हो जाए ना, पिता माता को सामने बच्चा बेटा बेटा ही है। भले ही बेटा डॉक्टर क्यों नहीं हो जाए, अगर ठंडी का समय हो सारा दुनिया को बेटा देखता है, अगर बाहर जाए ना मैया क्या बोलेगी। बोले लाला साथ में साल को ले जा, गरीब ठंडी लगेगा तो उसको ओढ़ लेना, बेटा कुछ भोजन के लिए ले जा। लेकिन बेटा सारा दुनिया को देखता है, क्योंकि माँ को सामने बेटा हर समय बेटा ही रहता है। इतने में मैया जसोदा को पता है कन्या को बारंबार भूख लगती है, मिश्री मक्खन के लिए कृष्ण है मचलते रहते हैं। कृष्ण के लिए उन्हें मटकी में मक्खन धर दिए। बोले लाला भूख लगे तो ये मक्खन को खा लेना। इतने में गोपियां तो पूरा सामने लेट गई। बोले जाओ तो हमारे ऊपर में ये रथ को चला करके ले जाओ। लेकिन कृष्ण बहुत समझा बुझा करके, भाई चिंता मत करो, मैं आज जा रहा हूँ, कल कंस को उधार करके परसों आ जाऊंगा। इसलिए जहां पर उन्होंने बोले थे अभी भी वो गांव का नाम है सी परसु। उनको तो समझा करके गए, लेकिन जब और थोड़ी दूर गए वहां पर राधा रानी बिजली जैसे चमक रही थी। राधा रानी लेट हुई थी रास्ता में, इसलिए बिजली जैसे तेज निकल रही थी। अभी भी ब्रज में एक गांव है उसका नाम बिजवारी। इतने में उन्होंने राधा रानी को भी बहुत तरह तरह से समझाए। समझा करके गोपियां राधा रानी सोच रही थी कृष्ण से आज वापस आ जाएंगे। पहले तो धीरे 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 रात ही उजाला हो गया, धीरे 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 धूल भी उजाला हो गया। इतने में गोपियों ने तो बोले गोविंद दामो दर माधवे ती, 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 वहीं पर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। इतने में अक्रूर कृष्ण बलराम को लेकर गए। वहां एक है अक्रूर हद अभी भी, वहीं पर कृष्ण बलराम को रख करके श्री अक्रूर जब ने स्नान किए यमुना हृदय में, हठात देखा अंदर में कृष्ण बलराम को देखा। बोले कृष्ण बलराम तो रथ में बैठे हुए थे, ये पानी में कैसे आ गए। ऊपर देखा बोले कृष्ण बलराम, फिर जब पानी में गोता लगाए देखे ठाकुर जी अनंत नाग पर शयन किए हुए कृष्ण बलराम। क्योंकि ये अक्रूर जी मन में शंका हो गया था, बोले कृष्ण भी केवल 10.5-11 साल के कृष्ण, कंस इतना बलवान, क्या कंस को मार पाएंगे। इतने में कृष्ण दिखाया, देखो मैं साधारण नहीं, मैं वही भगवान हूँ। अभी अक्रूर की मन में शंका दूर हो गया। कृष्ण बलराम बोले चाचा जी लगता है पानी को अंदर में कुछ देखे हो। बोले तुमने जो दिखाया मैंने वही देखा है। अभी जब मथुरा में पहुंचे, अभी थोड़ी सी दिन था, मथुरा का बाहर में नंद बाबा पड़ाव डाल करके वहीं पर रहे। इतने में कृष्ण बलराम बोले, बोले पिताजी थोड़ी सी ये मथुरापुरी को हम दर्शन करना चाहते हैं। बोले नहीं, तुम लोग बच्चे हो, यहाँ पर वृंदावन नहीं, अगर थोड़ी सी कहीं छेड़खानी कर दिया ना, रास्ता रास्ता पर पुलिस खड़े हुए, कंस सीधा जेल में बंद कर देगा। कल जब मैं चलूंगा मेरे साथ में चलियो। अभी कृष्ण बलराम सोच रहे हैं ये बड़े बूढ़ों को साथ में जाओ ना, आनंद नहीं आता, हर बात बात टोकते रहेंगे, आनंद कब आएगा। जब बराबर वयस्क वालों के साथ में जाओ, बस मस्ती से खेलते कूदते जाओ। इतने में बोले पिताजी हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा जाएंगे सीधा आएंगे। इतने में नंद बाबा बोले दाऊ ये कन्या बड़ा चंचल है, इसको ठीक से ले जाना, इधर उधर करना नहीं, सीधा जाना और सीधा जाना। बोले पिताजी कोई चिंता मत करो। अभी कृष्ण बलराम जब मथुरापुरी में प्रवेश किया, मथुरावासी तरस रहे थे भगवान को दर्शन करने के लिए। क्यों, उनको पता चला कि जो कृष्ण बलराम है ये देवकी वसुदेव के ही छोरा है, इनके ही बेटा है। जब सुना उनने 6 दिन में पुतना मार डाली,
एक महीना में उन्होंने त्रिणाव्रत और शकटासुर कुमारी तीन महीना में त्रिणाव्रत को और उन्होंने दो तीन साल में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अघासुर बकासुर को पछाड़ दिया। कालिया नाग पर न थे, जब पता चला कृष्ण सात साल उम्र में गिरिराज उठाया, बोले हे भगवान कहा सात साल का बेटा गिरिराज उठा लिया, सारे मथुरा वासी तरस रहे थे प्रभु को दर्शन के लिए, लेकिन कंस की डर से कोई नहीं जा पाए। लेकिन जब सुना कृष्ण बलराम आए, पूरा मथुरा उमड़ पड़ा ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए, जिस गली में जाए पुष्प की बौछार और कृष्ण बलराम की, जोर से बोलो भैया आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो, बोले श्री कृष्ण बलराम की। इतने में सखाओं ने बोले कन्हैया क्या तेरे को पहले से सब जानते हैं, जिस गली में जाओ तेरी जय जय का, बोले तुमको पता नहीं कंस मेरे खास मामा लगते हैं, तभी तो उन्होंने अपना रथ भेज करके बुलाए। बोले तू पहले क्यों नहीं बोला, बोले क्यों क्या बात है, बोले देख ये मथुरापुरी कितने सुंदर है और हमारे कपड़े को देख मैला मैला कपड़ा है, बोले क्या चाहते हो, बोले थोड़ा कपड़ा चमकले चमकले कपड़े हो जाए आनंद आ जाएगा, बोले चलो ना आगे चलो। जब उन्होंने आगे चले इतने में कंस के लिए धोबी एकदम नए कपड़ा, एकदम सोने की एम्ब्रॉयडरी का काम, बड़े सुंदर सुंदर कपड़े कंस के लिए ले जा रहे थे। इतने में कृष्ण ने बोला भैया हमारी सखाओं को थोड़ा नया कपड़ा पहना दोगे, हाथ फाड़ फाड़ करके देखे, बोले कहाँ गैया चराने वाले जंगल में रहते हो, ये महाराज कंस के लिए कपड़े हैं ग्वाला होकर के और राजा कंस के कपड़े पहनने का शौक है, ज्यादा बोलोगे ना कंस जो काम के लिए बुलाया था वो काम हम कर देंगे। कृष्ण ने देखा ये तो कौन है, ये वही धोबी है जो त्रेता युग में माता सीता के ऊपर जो अंगुल उठाया था, बोले तो ज्यादा ही बोल रहा है, ए मरे एक थप्पड़ मारे तो सर से सिर ही अलग हो गया। बोले भैया इसके हाथ में क्या कोई अस्त्र फिट करके रखा, एक थप्पड़ से सर ही अलग हो गया। बोले भैया वही अघासुर बकासुर को मारने वाले भागो यहाँ से, जितने सारे कपड़े थे फेंक फाक कर भागे। कृष्ण वाले सखा उठाओ मन मर्जी कपड़ा पहन लो, लेकिन कंस के लिए जो कपड़े और कृष्ण की सखा लगे तो छोटे बड़े थे, जब कपड़े पहन करके चलने लगे ना रोड साफ होने लग गया, बोले कन्या अच्छा नहीं लग रहा है, बोले चलो आगे। मिले दर्जी, बोले भैया हमारे सखा के साई जी का थोड़ी सी ये कपड़े को सिलाई कर दोगे, बोले क्यों नहीं, एकदम उनकी साई जी के बड़े सुंदर कपड़े को हैं काट करके उनकी साई जी के कपड़ा बना दिया। बोले कन्या आनंद आ गया, थोड़ी दूर आगे गए, जब आगे गए बोले कन्या अगर गले में थोड़ी सी माला की व्यवस्था हो जाती ना आनंद आ जाता। वहां पर सुदामा माली को पास मिले, इतने में सुदामा माली बड़े सुंदर ठाकुर जी के उन्होंने बड़े सुंदर उन्होंने सजा दिया फूलों की माला से। बोले कन्या एक चीज की कसर रह गई, बोले किसी चीज की, बोले सुंदर थोड़ा तिलक हो जानी चाहिए। बोले आगे चलो कुब्जा को देखे जो रोज कृष्ण बलराम को सुंदर श्रृंगार करती थी, बोले वो सुंदरी सुंदरी। बोले भैया मेरे को सुंदरी बोलो कौन बोल रहा है, क्योंकि वो तीन जगह से कुबड़ी थी, इसको देखते ही ना बच्चे भाग जाते थे डर के मारे। लेकिन भगवान उसको बोले ओ सुंदरी, ये कौन थी पूर्व जन्म में, ये थी सुपर्णखा, प्रभु राम रूप देख करके जो शादी करना चाहती थी, वो बोल करके आई ना, बोली ना मैं जितने सुंदरी ठाकुर तेरे को वैसे सुंदर बनाया, मेरे से ब्याह कर ले शादी कर ले, इसलिए अभी वही कुबड़ी बन करके आई। कुब्जा बोले ओ सुंदरी सुंदरी। बोले भैया मेरे को सुंदरी कौन बोल रहा है। इतने में कृष्ण बलराम को देख करके तो मुग्ध हो गई, इतने बोले एक काम करोगे मेरे सखा और हमको थोड़ी सी तिलक लगा दोगे। इतने में कुब्जा ने बड़े सुंदर तिलक लगा दिया ठाकुर जी को, सखाओं को तिलक लगा दी। जब तिलक लगा दी सखा ने बोले कन्हैया तू केवल देना लेना जाने, तो देना तो कभी सीखा नहीं, बोले किस चीज की, बोले देख कितने सुंदर हमारी श्रृंगार की, ये तीन जगह से देखो टेढ़ी। बोले भैया जोड़ी तो बड़ी प्यारी, मैं भी टेढ़ो ये भी टेढ़ी है, टेढ़ो और टेढ़ी जोड़ी बड़ी प्यारी है, इसलिए कृष्ण टेढ़े है ना, इसलिए कहते हैं तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तो टेढ़ो बोलो दो लाइन का नजरिया,
I'm
रुक्मिणी रामायण भगवान भैया रुक्मिणी कहाँ है जब सच करके आ जाओ रुक्मिणी और कृष्ण कहाँ है कृष्ण को भी सजा देना कोई है उनको सजाने वाले बढ़िया से सच करके बोले श्री रुक्मिणी रामायण भगवान की जय जय इतने में सखाओं ने बोले कन्हैया थोड़ी सी इनको प्लास्टिक की सर्जरी कर लो कृष्णा कुब्जा की कमरे में एक हाथ रखी थोड़ी में और एक पैर में हाथ रख कर की एक झटका मारे तो कृष्ण सीधा सटका हो गए श्री हैं कहते सीधा कुब्जा सटका हो गई इतनी सुंदरी बन गई अपना रूप जौवन को देख करके संभाल नहीं पाई इतने में उन्होंने कृष्ण के कपड़े को पकड़ कर खींचने लग गई बोले तेरे को शर्म नहीं लग रहा यहाँ दाऊ भैया जेठ खड़े हुए और जेठ को पकड़ कर तू कपड़े पकड़ कर खींच रहे हो इतने में बोले मैं पहले कंस को उद्धार करके पैर तुम्हारी पास में मैं आऊंगा इतने में कृष्णा जब आगे कृष्णा है कृष्णा जब आगे गए कृष्णा इतने में वहां पर देखा कुबलिया हाथी को उन्होंने होली गेट में रखा हुआ शराब पिला करके कृष्ण उसको दोनों दांत को पकड़ करके उन्होंने कृष्ण उसको उखाड़ दिए और उनको उसको बध कर डाले जब उन्होंने आगे गए कंस ने वहां पर धनुष यज्ञ कर रहे थे और बहुत बड़ा धनुष बोले धनुष ये धनुष किसका था बोले ये धनुष था परशुराम का जब कंस दिग्विजय करने के लिए निकला उन्होंने भ्रमण करते करते पहुंचा किसको पास में परशुराम को पास में बोले परशुराम को भी उन्होंने चुनौती मांगे परशुराम ने कहा मेरे साथ में युद्ध क्या करोगे पहले तू मेरे धनुष को उठाकर दिखा दे सचमुच से कंस इतने पराक्रम था भगवान का धनुष को उन्होंने उठा दिया परशुराम तो मान गए बोले भैया ये धनुष तू ले जा लेकिन याद रख लेकिन ये धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता जो तोड़ेगा तेरे को छोड़ नहीं सकता ये धनुष को ठीक से रखा करना इसलिए बड़े बड़े पहरादार कोई बात मत करो बच्चों हरे कृष्ण कोई बीच में बात नहीं करना जो बात करेगा ना बीच में फिर से मैं खड़े कर दूंगा मैं यहाँ बैठा ना देख रहा हूँ तुम लोग से क्या कर रहे सब बच्चे कुछ बैठी गए अब बैठी बैठ आपस में कथा तो सुनना नहीं यही बात करने के लिए आ गए जैसे घर में बात करने नहीं मिलता था यहाँ कथा सुनने के लिए आयो यहाँ बात नहीं करना पाप लगता है ठीक है बोले वृंदावन बिहारी लाल की वहां बड़े बड़े पहलवान वो धनुष को रक्षा कर रहे थे इतने में कृष्ण बलराम वहां पर गए इतने में कृष्ण ने कहा दाऊ भैया ये धनुष को थोड़ा उठा करके देखो जो वहां पर पहलवान थे बड़ी जोर से ठाल लगा कर दासे बोले पागल जैसे बात कर रहा है जिसको 400 व्यक्ति उठाते हैं और ये अभी दूध का दांत भी नहीं टूटा वो कहता है धनुष को उठाएगा ए कृष्ण देखते देखते लगाए छलांग अंदर में ऐ छलांग लगाकर जैसे भगवान राम ने धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा दिया था उसी तरह यहाँ पर भी कृष्ण छलांग लगाए और धनुष को उठाए और जब उन्हें प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए गए वो धनुष दो टुकड़े हो गए इतने जोर से आवाज हुई वो आवाज को कंस सुन करके हैं बोले भैया इतने आवाज कहाँ से हुई है इतने आवाज कहाँ से हुई उसको पता चला कृष्ण ने ये धनुष को तोड़ दिया बोले हे भगवान मेरे को परशुराम ने कहा था ये धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता जो तोड़ेगा तेरे को छोड़ नहीं सकता उसको याद आ गया परशुराम की बात याद आ गया इतने में रात भर कंस को नींद नहीं आई और जब नींद आई ना उसने स्वप्न देखा क्या स्वप्न देखा गधे को पीठ पर बैठ करके दक्षिण दिशा में जा रहा है अपना चलते समय देखे परछाई में देखे उसका छिद्र है शीशा में अपना सूरत देखे तो सिर ही नहीं दिखता है ये सब के सब मृत्यु का लक्षण है
इतने में रात भर नींद नहीं आई। उसने बोले कल कृष्ण बलराम को साथ में साल तो साल चारण मुष्टि की मल युद्ध होगा, बोले रंगमंच सजाए जाए और मेरे लिए बहुत बड़ा एक ऊंचा सिंहासन बनाओ, जैसे कृष्ण बलराम मेरे पास में पहुंच नहीं सके। इतने में कृष्ण जब दूसरे दिन में गए, दूसरे दिन आते ही जब कृष्ण बलराम रंगशाला में प्रवेश किया, कहते जिसकी भावना रही जैसी और हरि मूरत दिखी तेनी तैसी। वहां पर जितने बड़े बड़े मल्ल युद्ध करने वाले देखा, ये साक्षात कौन है, ये वज्र जैसे, कंसन देखा ये काल जैसे, जो पिता माता थे देखा इसका दूध दांत ही नहीं टूटा, जो स्त्रियां थी देखा मानो ये साक्षात कंदर्प है, जो जोगी ऋषि मुनि थे उन लोगों ने देखा यही परतत्व है। इसलिए जिसकी अंदर में भावना जैसे वैसे ठाकुर को दर्शन किया। इतने में कृष्ण कंस ने कहा कृष्ण बलराम तुमको ये चारों मुष्टि को साथ में युद्ध करना पड़ेगा। कृष्ण बोले देखो युद्ध तो बराबर को साथ में होता है, हम तो नन्हे मुन्ने बच्चे और ये देखो चारों मुष्टि की क्या पहाड़ जैसे शरीर, शरीर को क्या बना करके रखे। बोले तुम बच्चे हो, देखते देखते तुमने कुबलिया हाथी को मार डाला, तुमने कंस और जितने तुमने अघासुर बकासुर को पछाड़ डाला, जिसने गिरिराज गोवर्धन को उठाया और धनुष को तोड़ दिया, तो बच्चे नहीं बलिराम बलम तुम, तुमको युद्ध करना पड़ेगा। कृष्ण ने कहा देखो अगर जोर जबरदस्ती करोगे बचाने के लिए तो थोड़ी सी मदद करेंगे। इतने में कृष्ण बलराम खुद बड़े मैदान में एक चार मुष्टि को साथ में, छाती में छाती, बाहु में बाहु, जंघ में जंघ, क्या कृष्ण युद्ध कर रहे थे, अद्भुत रूप में दुनिया देख रहे थे। देखते देखते कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने चारणों को साथ में जैसे धोबी पछाड़ मारते है ना, धोबी पछाड़ जानते हो, धोबी जैसे कपड़े पकड़ कर ऐसे मारती है, कपड़ा साफ करती है, इसको पकड़ करके ऐसे धोबी पछाड़ मारे वही खत्म कर दिए। इतने में मुष्टि बलदेव प्रभु बोले तेरा नाम क्या, बोले मुष्टि। बलदेव प्रभु उठाया अपना मुष्टि, मारे एक सर के ऊपर छत्तु कर दिए, देखते देखते मार डाले। इतने में साल तोसल थे वो भी वहां पर कूद पड़े मैदान में, देखते देखते उनको भी उन्होंने मार दिए। जितने बड़े बड़े पहलवान थे बोले हे भगवान हमारे जो खलीफा थे लीडर, जब उनको ही मार डाले भैया हम फिर कौन से खेती की मूली, भागो यहाँ से, अगर जिंदा रहेगा तो कहीं चौकीदार करके पेट पाल देंगे, सब भाग गए वहां से। कंस बड़े सिंहासन ऊपर बैठा हुआ था, मेरे पास में कृष्ण बलराम पहुंच नहीं सके, वो हाथ हिला हिला करके बोल रहा था देवकी वसुदेव को मार डालो, नंद को जेल में बंद कर दो, कृष्ण बलराम को बंदी बनाओ। बोले मामा जी बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठे बैठे करके हाथ हिला हिला कर बात कर रहे हो। इतने में कृष्ण एक छलांग लगाया तो कंस के पास में पहुंच गए। कंस बोले रे यहाँ कैसे आ गया, मैं तो ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ था। इतने में कृष्ण कंस को चोटी पकड़े, बोले मामा जी याद है आप मेरी मैया की चोटी पकड़ी थी, जो लोग स्त्रियों को ऊपर में अपमान करते हैं, ब्राह्मण साधु संतों को कष्ट देते हैं, उसको दंड देने के लिए मैं आ गया हूँ। पकड़े कंस की चोटी को एक झांक जोर करके नीचे गिराया, तो नीचे गिरते 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 राम नाम सत्य, और कृष्ण उसको ऊपर में, अभी कंस के दो पत्नी थी अस्थि और प्राप्ति, ये जरासंध की दो बेटी थी। इतने में कृष्ण भी थोड़ी सी ऊपर ऊपर रोए, बोले मामी मामी मैं तो मामा से मिलने के लिए गया था ऊपर में, हमें किया था मामा इतना जल्दीबाजी करेंगे, अच्छा हुआ मामा नीचे और हम ऊपर आ गए, अगर हम अगर नीचे आ जाता ना हमारे भी राम नाम सत्य हो जाता। कृष्ण भी थोड़े रहे। इतने में कंस को अभी भी मथुरा में एक कंस खा रहे, जिधर कंस को घिसटते हुए ले गए, और अभी भी वो ध्रुव टीला है जहां पर उन्होंने कंस मामा को वहीं पर उन्होंने दाह संस्कार वहीं पर उन्होंने करवाया। जब दाह संस्कार की, इतने में अभी अस्थि और प्राप्ति अपना पिता जरासंध के पास में गए और पिताजी का खूब उल्टी सीधे लगाए, बोले तेरे दामाद कितने अच्छे थे, ये कृष्ण बलराम बिना कारण के कारण तेरे दामाद को मार डाले, इसलिए जरासंध मथुरा के ऊपर में 8 बार आक्रमण किया। 70 बार जब आक्रमण किया कृष्ण बलराम पकड़ते थे और जितने सैनिक को मार करके छोड़ देते थे, क्यों बोले जितने सारे दुष्टों को इकट्ठे करके लाएगा,
हम बैठी बैठी करके यही पर सारे दुष्टों को परित्राण आया साधुनाम विनाश आया चो दुष्कृताम, यही पर बैठी बैठी करके सारे दुष्टों को हम बध करेंगे, पकड़ते थे छोड़ते थे, पकड़ते थे छोड़ देते थे, और वही पर बैठी बैठी करके 70 बार उन्होंने उनको परास्त किया। लेकिन 18 बार में भगवान रण छोड़ करके चले गए, इसलिए ठाकुर जी का एक नाम पड़ गया रण छोड़। बोले श्री रण छोड़ भगवान की जय। इसलिए कुछ कुछ लोगों का कहना है उन्होंने रण छोड़ क्यों, रण छोड़ कर क्यों गए। जरा संत को पता चला ये जो कृष्ण है, बोले नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। कृष्ण ब्राह्मण को पूजा करते थे, हैं ब्राह्मण का देवता कृष्ण है, कभी कृष्ण ब्राह्मण को कभी मारे नहीं। इसलिए उसी बार उसने क्या किया, ब्राह्मणों को खूब रुपया पैसा दे करके उनको लेकर के सैन्य बना करके लाए। अभी ठाकुर जी ने देखा भैया ब्राह्मण मेरे देवता है जिनको मैं पूजा करता हूँ, ये ब्राह्मणों को लेकर के आए। इसलिए ठाकुर जी क्या किया, रण छोड़ करके ठाकुर जी चले गए। बोले रण छोड़ भगवान की जय। इधर किया हुआ एक तरफ में जरासंध, दूसरे तरफ में कालजवन, एक साथ में मथुरापुरी पर आक्रमण किया। कृष्ण सोचे अगर एक को साथ में अगर हम जाए ना, दूसरा आकर के फिर मथुरापुरी को आक्रमण करेगा, क्या करे। इसलिए उन्होंने जोग माया को उन्होंने बुलाए और उन्हें विश्वकर्मा को बुलाए, बोले एक काम करो आप समुद्र को बीच में ये द्वारकापुरी का निर्माण करो, और जोग माया को बोले राता रात इनको उठा करके तुम द्वारका में पहुंचा दो। और सबके सब द्वारकावासी सो रहे थे और विश्वकर्मा ने किया कि समुद्र को बीच में द्वारकापुरी बनना की इन्होंने बना करके राता रात जोग माया ने सबको पहुंचा दिया। जब सवेरे उठे ना, बोले भैया द्वार कहाँ है, क्यों सो रहे थे मथुरा में सवेरे द्वारका में। इसने बोले बोले द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, इसलिए उसका नाम पड़ गया द्वारका। बोले सिर्फ द्वारकापुरी की। अभी कृष्ण सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, बोले अभी तक शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं तो एक दो शादी करूंगा नहीं, जब नंबर लगेगा मेरे नंबर तो खत्म नहीं होगी, 16108 पटरानियों से शादी करूंगा, लेकिन पहले दाऊ भैया का शादी हो जाए फिर मैं शादी करूंगा। अभी ये सत्यजू की बात है, कहते रैवत नाम के एक राजा थे, उनकी एक रैवत नाम की लड़की सख्यात माँ लक्ष्मी स्वरूपिणी, अभी उनको लेकर के रैवत महाराज गए पितामह ब्रह्मा को पूछने के लिए, मेरी बेटी की उपयुक्त तो पति कहाँ मिलेंगे। उस समय ब्रह्मा जी किसी काम पर व्यस्त थे, जब निकले ना बोले क्या चाहते हो, बोले मेरी बेटी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी, इनके पति कौन बनेगा, क्यों नारायण तो इनके पति हो सकते हैं ना। बोले देखो तुम लोग आए थे सत्य युग में, लेकिन थोड़ी समय यहाँ इंतजार किया तो मरते जगत में सत्य युग भी गया, तृतीय युग भी गया, अभी आ गया द्वापर का अंतिम। ये द्वापर का अंतिम में श्री वसुदेव का जो बड़ा बेटा श्री बलदेव है, ये साक्षात भगवान अनंत द विष्णु, इसलिए तुम्हारी बेटी की उपयुक्त पति श्री बलदेव प्रभु, जाओ तुम्हारी बेटी को बलदेव प्रभु को साथ में शादी कराओ। तब उन्होंने श्री बलदेव प्रभु को साथ में जब शादी कराए, लेकिन वो सत्यजू की रेवती वो ताल की पेड़ जैसे लंबी, अभी बलदेव प्रभु उनके घुटन तक जब शादी हो गई ना, सखाओं ने तो बलदेव प्रभु को चिढ़ाए, बोले बड़े भाग्य से बड़ी बहू मिलती है, बोले शादी भी भाई नहीं, कहते बड़ी भाग्य से बड़ी लंबी बहू मिलती है। इतने में बलदेव प्रभु अपना हाल को रेवती की कंधे पर लगा कर उन्हें पकड़ी और उन्हें धीरे 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 खींचे, खींचते खींचते जब कंधे तक आ गए ना, बस जोड़ी बड़ी प्यारी हो गई, छोड़ दिए। बोले श्री रेवती रामायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अभी कृष्ण की नंबर आ गया। अभी भीष्मक के कहते उनकी 5 बेटे थे, उनकी जो सबसे जो छोटी बेटी ये रुक्मिणी है, ये साक्षात माँ लक्ष्मी, ये नारद जी को ये बात पता है, इसलिए नारद जी बचपन में आकर के बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने रुक्मिणी की कृष्ण की महिमा बोलते थे, कृष्ण की पराक्रम की बात बोलते थे। अभी ये कथा सुनते 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 रुक्मिणी के हृदय में कृष्ण बैठ गए, अगर रुक्मिणी प्रतिज्ञा की अगर मैं शादी करूंगी तो केवल श्री द्वारकाधीश कृष्ण को ही मैं शादी करूंगी और किसी को मैं शादी नहीं करूंगी।
इतने में उनका जो बड़ा बेटा रुक्मी वो दुष्ट बदमाशियों के साथ में बैठता है, बैठ बैठ करके बोले क्या मेरी बहन राजकुमारी कृष्ण से शादी करेगी? कृष्ण ग्वाला गैया को पीछे पीछे ढोलता था, मक्खन चोरी करता था, कोई कहते वसुदेव का नंदन, कोई कहते नंदन नंदन है, इसलिए भैया ऐसे व्यक्ति को साथ में मेरी बहन की शादी नहीं होगी, कोई राजा महाराजा को साथ में शादी करेंगे। बोले कौन? बोले शिशुपाल, शिशुपाल को साथ में मेरी बहन की शादी होगी। इतने में लेकिन पिताजी का इच्छा है मेरी बेटी की शादी कृष्ण से हो। कृष्ण इतने सुंदर, कृष्ण इतने रूपवान गुणवान, इनको छोड़ करके और कौन पति बन सकते हैं? लेकिन घर में पिताजी की बात चलती नहीं, बड़ा भाई की बात चलता है, इसलिए उन्होंने बोले नहीं मेरी बहन की शादी को तो शिशुपाल को साथ में होगी। इतने में शिशुपाल ने हैं इसको पता चला, क्या पता चला, ये रुक्मिणी कृष्ण को प्रेम करती थी और उसको पिता चाहते हैं रुक्मिणी को साथ में शादी हो, लेकिन भाई चाहते मेरे साथ में शादी हो। लेकिन कृष्ण को पराक्रम शिशुपाल को पता है, इसलिए शिशुपाल ने क्या की अपना बरात को लेकर के बड़े बड़े राजाओं को लेकर के बोले देखो अगर कृष्ण बीच में अगर कहीं आक्रमण करे ना सबके सब मिल कर कृष्ण को हम परास्त करेंगे। इतने में रुक्मिणी को जब पता चला इसकी शादी होगी शिशुपाल को साथ में, रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण को बुलाए, उन्होंने ब्राह्मण को बुला करके एक पीली पत्र लिख करके ब्राह्मण को दे करके उन्होंने भेज दिया। कहां पर? कृष्ण को पास में द्वारका में। कृष्ण पीली पत्र पढ़कर देख करके तो खुश हो गए, बोले लगता है कोई प्रेमिका की पत्र। देखो अभी रुक्मिणी कृष्ण को भी नहीं देखा, कृष्ण अभी रुक्मिणी को नहीं देखे, कोई किसको देखे ही नहीं, लेकिन वो पत्र में इतने सुंदर बात लिखी हुई थी, कृष्ण जो पत्र को देख करके संतुष्ट हो गए। उसमें लिखा हुआ था हे भुवन सुंदर भगवान जगतपति जगन्नाथ, जगत में अगर कोई पति बनने का लायक तो आप ही हो, जगत में और कोई पति बनने का लायक नहीं है, अब जगतपति जगन्नाथ हो। इसी संसार में जो स्त्रियां शादी करती हैं, किसको शादी करती है? जिसको पति कहते हैं। पति मतलब क्या होता है? प मतलब होता है पालन करना, ती मतलब जो संसार से हमें त्राण कर दे, ये पति है। लेकिन हमें पालन करने वाले त्राण करने वाले कौन है? एकमात्र जगत जगतपति जगन्नाथ है, जगतपति जगन्नाथ वही पालन करने वाले, वही मुक्ति दिलाने वाले। लेकिन इसी संसार में जो स्त्रियां शादी करती हैं, किसको शादी करती है? कहते हड्डी मांस चमड़ा टाटी पेशाब एक थली को पति कहती है। लेकिन कुछ दिन बाद में क्या होता है? पति शरीर छोड़ने पर शंखा भी टूट जाती है, मांग भी मिट जाती है। एक जीवन नहीं अनंत जीवन से पुरुष होने पर स्त्री और स्त्री होने पर हमें पुरुष मिलता है। हर जीवन में पति को पत्नी, पति से पति से पत्नी, पत्नी से पति एक दिन अलग हो जाते हैं अनादिकाल से। बोले कब तक ऐसे पकड़ेंगे छोड़ेंगे? बोले जब तक ये जीव परम पति भगवान कृष्ण को पति नहीं बनाते। इसलिए कहते ना आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखिया मुझे ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर। इसलिए कहते हैं, कहते ऐसे बर को क्या बरे, ध्यान देकर सुनो, कहते ऐसे बर को क्या बरे हो जो जन्मे और मर जाए, बर बरी और गोपाल जिसो जो चुड़ल अमर हो जाए हैं। इसलिए रुक्मिणी बोले हे प्रभु अगर आप यहाँ से उधार नहीं करोगे, आप तो पुरुष सिंह हो, ये सबके सब सियार है, अगर शेर का हिस्सा अगर सियार ले गया ना वो शेर का ही बदनामी, जब तक आपको मैं प्राप्त नहीं करूंगी तब तक ये शरीर छोड़ते रहूंगी, लेकिन ये सियार को मैं ग्रहण नहीं कर सकती हूँ। बोले आप मेरे को उधार कैसे करोगे, वो भी लिख देती हैं। बोले हमारी एक कुल की एक नियम है, जब ये लड़की शादी करे अपना
राज महल से बाहर जाती हैं अपना कुलर देवी की पूजा करने के लिए। जब मैं कुलर देवी की पूजा करने जाऊंगी उसी समय में ही आप अपना पराक्रम को दिखा करके मेरे को हरण करना। उन्होंने डिटेल से सब कुछ लिख दी। जब लिख दी इतने में शिशुपाल भी आया बरात लेकर के। लेकिन जब शिशुपाल आया इतने में कृष्ण भी ये पत्र को पढ़ करके ब्राह्मण को उन्होंने बैठाया किसमें, अपना रथ में बैठाए। और रथ में बैठा करके कृष्ण कहां पर, कुंडलपुरी के लिए उन्होंने यात्रा की। जब यात्रा की अभी श्री राजा भीष्मक वो तो शिशुपाल को उसका आरती उतारने के लिए जा रहे थे, लेकिन हठात कृष्ण आ गए। बोले ये क्या होगा, मैं तो शिशुपाल को वंदना करने जा रहा था, ये कृष्ण कैसे आ गए। बोले पता नहीं ठाकुर को क्या इच्छा, जो शिशुपाल को करना चाहते ना उन्होंने कृष्ण को ही, उन्होंने आरती उतार दिया कृष्ण को। इतने में जब रुक्मिणी चारों तरफ में सैनिक की खड़े हुए, क्यों कृष्ण बीच में नहीं आ जाए। भैया रुक्मिणी कृष्ण तैयारी हो गए, कृष्ण हो गए ना, उनको ले आओ अभी, जाओ उनको ले आओ भैया, कोई जाकर ले आओ तुमसे। इतने में जब रुक्मिणी है चारों तरफ में सैनिक खड़े हुए, इतने में रुक्मिणी अपना सहेलियों को लेकर के माता देवी को पूजा के लिए जब गई, वहां पर स्वयं शंकर पार्वती प्रकट हुए और उन्हें वेद मंत्र से कृष्ण को साथ में उन्होंने शादी करवा दिया। लेकिन ये बात को किसको पता ही नहीं चला। जब पता ही नहीं चला इतने में रुक्मिणी जब पूजा करते हुए रुक्मिणी जब निकलती हैं, इतने में उन्होंने सामने कृष्ण वहीं पर प्रकट हुए। प्रकट होते ही रुक्मिणी इतने सुंदरी थी, इतने सुंदरी। रुक्मिणी कौन है, बोले जगदम्बा जगत जननी माँ लक्ष्मी स्वयं है, जिसकी बहिरंगा शक्ति की माया से ये दुनिया मुग्ध है। तब उनकी स्वरूप शक्ति कितने सुंदर नहीं होगी रुक्मिणी, जब उसने अपना घूंघट को केवल निकाली, मेरे प्रभु कृष्ण कहाँ हैं, जब उन्हें केवल घूंघट को निकाली, इतने सुंदर रुक्मिणी थी। वहां पर जितने सैनिक थे एक बार रुक्मिणी को सुंदरता को देख करके वही बेहोश हो गए, सबके सब वही बेहोश हो गए। इतने में कृष्ण बीच में निकले, निकल कर रुक्मिणी आओ रुक्मिणी, कृष्ण देख रहे थे मेरे प्रभु का। इतने में कृष्ण रुक्मिणी को हाथ पकड़ करके रथ में बैठाई और जितने सहेलियां थी ना, रुक्मिणी बोली मैं तो अपना प्रियतम को साथ में जा रही हूँ, राम राम है सब कर राम राम करते करते रुक्मिणी को कृष्ण रथ में बैठाए और लेकर के कृष्ण वहां से चले गए। जब चले गए जो सैनिक बेहोश हो गए थे, जब उनकी होश आया ना, बोले भैया रुक्मिणी कहाँ गई, बोले जिसका था उसने लेकर के चला गया। बोले मारो मारो पीटो पीटो रुक्मिणी को कैसे ले जाएगा। इतने में बलदेव प्रभु वहां पर प्रकट हुए, क्योंकि कृष्ण जब पत्र पढ़ करके आए थे, बलदेव प्रभु समझ गए थे ये पीली पत्र थी, लगता है कोई प्रेम का पत्र हो ना हो, कृष्ण अकेले गए, कोई विपत्ति आई तो कृष्ण को रक्षा कौन करेगा। इतने में बलदेव प्रभु भी सैन्य सामंत को लेकर के बलदेव प्रभु ही आए थे। इतने में दाऊ भैया बोले कन्या तू रुक्मिणी को लेकर के जा, मैं इसको देख लेता हूँ। बोले श्री रुक्मिणी रामायण भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आ जा इधर आ जा। हाँ बोले कन्या तू, मैं इनको देख लेता हूँ। इतने में बलदेव प्रभु अपना हाल मुसल को निकाले, ऐसे उन्होंने पिटाई की, ऐसे उन्होंने युद्ध की, वहां पर भगदड़ मच गया। भैया बैठो मत, खड़े हो जाओ, ये दो माला ले लो, दो माला उनको दोनों हाथ में देना। हाँ दो दोनों ले लो। हाँ इतने में कृष्ण रुक्मिणी द्वारका में गए, बड़े धूमधाम से इनकी शादी हुई। अब माला बदलाओ तो, हाँ आप लोग सब ताली बजाना सबके साथ। बस श्री रुक्मिणी रामायण अपना सखी पटरानी बना करके ठाकुर जी ले जाएंगे, जो इसी कीर्तन में नाचेगा। क्यों, ये ठाकुर जी की शादी है। साधारण शादी में देखो पी पा करके लोग उल्टा पुल्टा गाना में नाचते हैं, लेकिन भगवान की भजन में नाचने का बड़ा पुण्य, बड़ा महत्व है।
इसलिए जो नाच सके नाचना, और जो नाचेगा ठाकुर जी उसका अपना पटरानी बनाएंगे ठाकुर जी गोलोक वृंदावन में। ओ आज मेरे सामने की शादी है, आज मेरे सामने की शादी है, आज मेरे मोहन की शादी है, आज मेरे मोहन की शादी है, आज मेरे सामने की शादी है, आज मेरे सामने की शादी है, आज मेरे मोहन की शादी है, आज मेरे मोहन की शादी है।